नमो गोव्य श्रीमतेभ्य शौरभेभ्य एवच नमो ब्रह्मसुताभ्यस्य च व्य पवित्राभ्यो नमो नमः। श्रीमतिभ्य अर्थात हमारी गैया बहुत ही सम्माननीय है, सौरभेयभ्य हमारी गैया सूर्य नारायण की प्रतिनिधि है, हमारी गैया सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा की पुत्रियां हैं, ऐसी परम आदरणीय सम्माननीय हमारी गौ माता को 100 बार नमन। परम आदरणीय बाबा शिव कृपा स्वामी जी महाराज और उनके साधकों के प्रयास से आज मोरबी नगर में इस गौ कथा का जो आयोजन हुआ है इसके लिए मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। पिछले कुछ वर्षों तक भारत भूमि पर गौ माता की महिमा की कथा आध्यात्मिक स्वरूप में बहती रही। सदियों से विदेशियों का आक्रमण हमारे देश पर होता रहा, आज भी अप्रत्यक्ष आक्रमण जारी है और इन सभी आक्रमणों की मार झेलते हुए आज भी हमारी गैया गौ माताएं हमारे दिलों में बस रही हैं। इस माँ के प्रति जो हमारा समर्पण है, इस माँ के प्रति जो हमारा सम्मान है, यह आज भी कम नहीं हुआ, यह उनका ही प्रताप है। दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ विज्ञान या हम भूगोल कहें ऋग्वेद, इस ऋग्वेद में इस सृष्टि के निर्माण से लेकर इस सृष्टि के प्रलय तक की कहानी है। किस प्रकार से हमारा यह सौर्य मंडल सूर्य परिवार दो बड़े तारों के टकराने से निर्मित हुआ और किस प्रकार इसकी चुंबकीय शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और पूरा सौर्य मंडल एक प्रलय में डूब जाएगा, यहाँ तक की कहानी, यहाँ तक की घटना, जो बीत गया और जो आने वाला है, सब कुछ इस ऋग्वेद में समाहित है। ऐसा उत्कृष्ट ग्रंथ है, ऐसा उत्कृष्ट विज्ञान को अपने आप में लिए हुए यह ऋग्वेद कहते हैं यतो गावस्ततो वयम्। यह संसार और संसार में हम मनुष्य सभी यहाँ पर विद्यमान हैं क्योंकि इस संसार में गाय है। गाय की ही कृपा है कि मनुष्य इस पृथ्वी पर है, गाय से हम सभी हैं। गाय है इसलिए इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य में चेतना है, उनमें संस्कार है, परिवार में रहने का गुण है, यह सभी कुछ है क्योंकि गाय है। यह धारणा या हम कहें यह विज्ञान सदियों से हम जानते आए हैं, समझते आए हैं।
लेकिन पिछले 2-250 वर्षों में एक नए विज्ञान का उदय हुआ। इस विज्ञान को हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। यह विज्ञान हमें सहजता प्रदान करता है, जीने के लिए सुविधाएं प्रदान करता है, लेकिन हम जिस धरती पर जी रहे हैं उसकी आयु निरंतर बढ़ते रहे, यह उस विज्ञान का विषय नहीं होता है। इस विज्ञान के उदय के साथ ही हमारी गाय और उसकी जो महिमा है इसका धीरे धीरे पतन हुआ, और यह पतन धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच गई कि आज भारत राष्ट्र में ही गायों का अस्तित्व जो है वह खतरे पर है। इसे समझने के लिए अगर एक ऐतिहासिक दस्तावेज पर बात अगर मैं करूं, तो हमारा देश पिछले 700 वर्षों से गुलाम है। 68 साल पहले प्रत्यक्ष गुलामी से हमें मुक्ति मिली। 1947 का वर्ष जब अंग्रेज इस धरती को छोड़कर वापस ब्रिटेन चले गए, अंग्रेजों ने जाने से पहले 2 साल पहले इस देश में एक सर्वेक्षण किया, ज्ञात किया कि इस धरती पर कितनी नदियां हैं, कितने पहाड़ हैं, कितने गांव हैं, कितने स्कूल हैं, कितने झरने हैं और कितने पशुधन हैं। उस दस्तावेज को अगर हम माने, तब अंग्रेजों द्वारा तैयार किया हुआ 1945 का वह दस्तावेज कहता है कि 1945 तक हमारे देश में गायों की संख्या 32 करोड़ थी और हम मनुष्य की जनसंख्या 34 करोड़ थी। औसतन अगर हम बात करें तो 1945 का भारत या 1947 तक का भारत, एक भारतीय के पीछे एक गाय थी। ऐसा भारत अंग्रेज छोड़कर गए। उस समय हमारे देश की आर्थिक स्थिति पर भी अगर हम चर्चा करें तो उन दिनों भारत का 1 रुपया अमेरिका के 1 डॉलर के बराबर था। यह हमारी आर्थिक स्थिति थी। हमारे देश में पशुओं की स्थिति और उसमें खासकर हमारी गौ माता की स्थिति प्रत्येक एक भारतीय पर एक थी। अगर बीमारियों पर बात करूं तो हमारे देश में आज जितने भी हम गंभीर बीमारियों के नाम सुनते हैं, जैसे कैंसर, जैसे मधुमेह, जैसे सोरायसिस, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, इस तरह की कोई भी बीमारियां हमारे देश में ना थी या गिनती की थी। ऐसा हमारा राष्ट्र भारत, 1947 का भारत। अंग्रेजों के प्रत्यक्ष रूप से चले जाने के बाद आज 2016 लगभग 68 वर्ष बीत गए। इस 68 वर्ष में भारत का विकास कितना हुआ या भारत का पतन कितना हुआ, अगर इस पर मैं चर्चा करूं आपसे, तो आज हमारे देश में गायों की संख्या मात्र 3 करोड़ बची है। मात्र 3 करोड़। हमारी जनसंख्या बढ़कर 127 करोड़ हो गई। 127 में भाग आप लगाएं 3 से, कितना होता है? लगभग 45 का हिस्सा बैठता है। और भारत की मूल प्रजातियों पर अगर मैं बात करूं तो भारत में अभी कुल 2 करोड़ गायें बची है। कुल मूल प्रजातियों पर बात करूं तो हमारे देश में गायों की लगभग 350 प्रजातियां रही थी, जिनमें से आज लगभग 100 प्रजातियां बची है और शेष प्रजातियां बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो गई है। मूल प्रजातियों की संख्या अभी 2 करोड़ है, यानी प्रत्येक 65 व्यक्ति पर एक गाय बची है। और उसी हिसाब से अगर हम अपने भारत की आर्थिक ताकत अगर पर बात करें तो आज
$1 खरीदने में हमें 65 रुपये देने पड़ते हैं, यानी हमारी गायों की जनसंख्या 60 गुना गिरी है, उसी हिसाब से रुपए की ताकत भी 60 गुना गिरी है। यह आंकड़ा कहता है कि जैसे जैसे भारत में गायों की संख्या गिरी है, वैसे वैसे रुपए की ताकत भी गिरी है, आर्थिक रूप से कमज़ोर हुआ है। जैसे जैसे पशुधन से कमज़ोर हुआ यह भारत, वैसे वैसे आर्थिक रूप से भी यह कमज़ोर हुआ है भारत। हमारी गायों का संबंध केवल अर्थ से नहीं है और केवल चिकित्सा से नहीं है, बल्कि मनुष्य जीवन के सभी अंगों से हमारी गौ माताओं का संबंध है। इस बात को आज के विज्ञान की दृष्टि से सत्यापित करने के लिए हमने 3 साल पहले भारत के कई राज्यों के कई क्षेत्रों में एक सर्वेक्षण का काम किया, जिसमें से मुख्य रूप से महाराष्ट्र के कुछ हिस्से और झारखंड के कुछ हिस्से हैं। मैंने उन हिस्सों को सर्वेक्षण में लिया जिन हिस्सों में भूगर्भ के नीचे जल बहुत नीचे चला गया था या जहां अक्सर अकाल पड़ता है। महाराष्ट्र और झारखंड के उस हिस्सों में हमने पता किया कि पिछले 30 साल पहले उन गांवों में भूगर्भ के नीचे जल की क्या स्थिति थी और उन गांवों में हमारी गौ माताओं की क्या संख्या थी। यह सर्वेक्षण 3 सालों में कई चरणों में पूरा हुआ। 30 साल पहले की स्थिति, 20 साल पहले की स्थिति, 10 साल पहले की स्थिति और वर्तमान की स्थिति। वर्तमान में कितनी गायें वहां पर बची है और भूमि के अंदर कितना नीचे जल गया है, इन दोनों आंकड़ाओं को इकट्ठा करने के बाद जब सम्मिलित रूप से हमने ग्राफ बनाया, तब उसमें से जो विषय निकल करके आया कि जैसे जैसे हमारे उन क्षेत्रों में, हमारे देश के उन क्षेत्रों में गायों की संख्या गिरी है, उसी गति से भूमि के अंदर नीचे जल भी गिरा है। यह सत्यापित करता है, सांख्यिकी का यह आंकड़ा सत्यापित करता है कि हमारी गैया का संबंध भूगर्भ जल के साथ है। जिस गति से गाय की संख्या गिरी, कम हुई, उसी गति से भूमि के अंदर जल भी नीचे गया और आज उन क्षेत्रों में भूगर्भ में जल की स्थिति लगभग 150 से 200 फीट नीचे हैं और यही कारण है कि उन सारे भूभागों में बड़े वनस्पति नष्ट हो गए, बड़े पेड़ पौधे नहीं हैं। बरगद का वृक्ष जिसकी आयु 300 से 350 वर्ष तक होता है और अगर अच्छे से उसका पोषण हो तब 500 वर्ष भी होता है। आम का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवला का वृक्ष, नीम का वृक्ष, इस तरह से वट श्रृंखला के जितने भी वृक्ष हैं जिनकी आयु 150 से 200 साल और उससे भी अधिक होता है, ये सारे वृक्ष उस क्षेत्र से पूरी तरह से नष्ट हो गए क्योंकि इन वृक्षों के जड़ भूमि में 100 फीट या अधिक से अधिक 150 फीट तक नीचे जाते हैं। लेकिन भूमि का जल अगर 150 फीट से नीचे चले जाए तब ये पेड़ अपना पोषण खुद नहीं कर पाते और लगातार अगर 3 साल तक बारिश ना हो, सूखा पड़ जाए, तब यह वृक्ष सूख जाते हैं, ये समूल रूप से नष्ट हो जाते हैं। और यही महाराष्ट्र के कई हिस्सों में हुआ और झारखंड के कई हिस्सों में हुआ। इस कारण से उन क्षेत्रों का जब हमने सर्वेक्षण किया तब पता चला कि कभी अतीत में ये क्षेत्र हरे भरे थे क्योंकि उन क्षेत्र के प्रत्येक गांव में 3000 से ज़्यादा गौ माताएँ रहती थी, लेकिन आज उन गौ माताओं की संख्या घटकर केवल 10 रह गई है। और यही कारण है कि ये सारे क्षेत्र जो है प्रतिवर्ष सूखे की मार झेलते हैं, वहाँ वर्षा कम होती है, वहाँ वनस्पतियाँ सूख गई है और वह अब निर्जन है। गाय, उसका संबंध भूमि में जल के साथ, इसका आभास मुझे तब हुआ
जब मैं एक बार पंजाब गया और वहाँ के कई मंदिरों में और कहीं कहीं तो गुरुद्वारों में गाय का एक चित्र मुझे देखने को मिला। आपके यहाँ गुजरात के मंदिरों में भी ऐसे बहुत सारे चित्र हैं जिनमें गाय के शरीर में 33 तरह के देवताओं के चित्र हैं और उन देवताओं के चित्र के पीछे एक जो कहानी है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देव होते हैं। इस कोटि का अर्थ हमारे भारत में कई स्थानों पर करोड़ से लगाया जाता है, लेकिन कोटि का अर्थ होता है उत्तम, उत्कृष्ट, संपूर्ण। उत्तम, संपूर्ण और उत्कृष्ट दर्जे के 33 देवता हमारी गौ माता के शरीर में निवास करते हैं। उस चित्र को अगर आप ध्यान से देखेंगे तब उस चित्र में हमारी गौ माता के पांव में, जिसे हम खुर भी कहते हैं, उस पांव में नदियों का चित्र मिलेगा, यानी जल देव का चित्र मिलेगा। अगर आप हरिद्वार चले जाएं तब हरिद्वार के मंदिरों में आपको जिस गौ माता का चित्र मिलेगा, उस चित्र में वहाँ हिमालय पर्वत श्रृंखला के चित्र मिलेंगे। वही चित्र अगर आप पंजाब में चले जाएं तो पंजाब की जो प्रमुख 5 नदियां हैं, झेलम, ब्यास, चनाव, रावी, इन नदियों के चित्र मिलेंगे। यही चित्र अगर आप मध्य भारत के कुछ मंदिरों में देखें अगर, तो मध्य भारत के मंदिरों के चित्र मिलेंगे। उत्तर प्रदेश अगर आप चले जाएं और वहाँ के मंदिरों में इसी गौ माता के चित्र देखें तब वहाँ गंगा, जमुना, सरस्वती और सरयू नदी का चित्र मिलता है। यही चित्र आपको दक्षिण भारत में भी देखने को मिलेगा और वहाँ की नदियों का चित्र मिलेगा। वहाँ के गांव गाय के पांव में कृष्णा, कावेरी, पंपा, चेयर, वेगवती, इन नदियों का चित्र मिलेगा। इस तरह से गाय के पांव में नदियों की विविधता का चित्र देखकर एक बार मेरे मन में ख्याल आया कि कहीं न कहीं हमारी गैया का संबंध जो है वो भूगर्भ जल के साथ है। शायद यही कारण रहा हो कि हमारे ऋषियों ने हमारी गौ माता के पांव में नदियों का चित्र अंकित किया या वहां पर जल देवता का चित्र अंकित किया। और इसी विचार से सैकड़ों परीक्षण जब हमने करके देखे अपनी प्रयोगशाला में, तब उसमें से एक सफल प्रयोग हुआ और उस प्रयोग ने सत्यापित कर दिया कि भारत भूमि पर जहाँ जहाँ गाय का विचरण होता है, जहाँ जहाँ गाय विचरती है, वहाँ वहाँ भूगर्भ में जल बहुत ऊंचा रहता है या भूमि में कम दूरी पर जो है जल रहता है। जल को खींचने की अद्भुत शक्ति गौ माता की गव्यों में है। इस प्रयोग को मैं चाहता हूं कि आपके समक्ष में विस्तार रूप से रखूं, क्योंकि यह भी जो भारत का गुजरात भूभाग है, गुजरात के बहुत सारे ऐसे जिला प्रदेश हैं जहां भूगर्भ में जल बहुत नीचे है या मीठा जल नहीं है। गैया का गोबर और गैया का गौमूत्र, इसमें एक अद्भुत शक्ति है जल को खींचने की, जल को बांध कर रखने की। इस पर जो सैकड़ों परीक्षण हुए उसमें से एक परीक्षण ऐसा हुआ कि हमने गैया का गोबर और गौमूत्र दोनों को मिलाकर एक बार बनाया, जैसे कैंडल होता है, मोमबत्ती बोलते हैं, मोमबत्ती की तरह एक मोटा बार बनाया और उस बार को एक थाली में स्थापित किया सीधा वर्टिकल और उस थाली में पानी भर दिया। कुछ देर के बाद देखता हूँ कि थाली में पानी नहीं है, पानी सूख गया। यह पानी कहाँ गया? तो इस थाली के मध्य में जो खड़ा गोबर का जो डंडा है, उस डंडे ने पूरे पानी को सोख लिया और बिना किसी ऊर्जा के सहारे, बिना किसी पंप के सहारे, उस पानी को सोख कर ऊंचाई तक लेकर के गया। ऐसा अद्भुत प्रयोग हुआ। यानी गाय का गोबर और गौमूत्र ऐसा अद्भुत है कि हमारी गैया अगर दिन में सुबह आप अपनी गैया को खोल दें, या गौशाला के जितने भी भाई हैं गौ गैया को जब खोल देते हैं सुबह चरने के लिए, और हमारी गैया जब चारागाह में चली जाती है चरने के लिए, तब आप वहां देखेंगे कि चारागाह में गैया घास चरते हुए गोबर और गौमूत्र दोनों प्रदान करती है।
गोबर और गौमूत्र खेतों में सूख जाता है, गैया जंगलों में जाती है वहां भी गोबर और गौमूत्र करती है, चारागाह में जाए वहां भी गोबर और गौमूत्र करती है, वहां गैया द्वारा प्रदान किया गया गोबर और गौमूत्र धूप की तेज रोशनी से सूख जाता है। गौमूत्र सूखने के बाद वाष्पीकृत होकर मेघ में चला जाता है, बादलों में चला जाता है, लेकिन यह गोबर और गोबर में अवशोषित गौमूत्र उस भूमि में रह जाता है और 2-3 महीने के बाद जब गर्मी समाप्त होती है और वर्षा के जब बूंद गिरते हैं, उस वर्षा के बूंद के साथ जल के साथ गोबर घुल जाता है और गोबर घुलने के बाद मिट्टी में समाहित हो जाता है। कल्पना करो कि आपका कुछ भूभाग हो और उस भूभाग में जल भूगर्भ में बहुत नीचे हो, आप उस भूगर्भ में कुछ गैया को लाकर बांध दें, रख दें, उसका निवास स्थान बना दें, गैया वहीं गोबर और गौमूत्र करे, सूख जाए और वर्षा ऋतु में जब वर्षा की बूंदें गिरे और वह गोबर जब गीला होकर पानी में घुलकर मिट्टी में रिस जाए, तो हो सकता है प्रथम वर्ष वह गोबर और गौमूत्र का रस 3-4 फीट तक नीचे जाएगा। दूसरे वर्ष फिर बारिश होगी, गैया का गोबर फिर घुलेगा और फिर मिट्टी में जाएगा। अगले साल यह गोबर और गौमूत्र घुलकर 10 फीट नीचे तक जाएगा। तीसरे साल फिर ऐसा ही होगा, चौथे साल फिर ऐसा होगा, पांचवें साल फिर ऐसा होगा और सतत ऐसा चलता रहेगा। एक दिन ऐसा होगा कि भूमि के अंदर जहां पर जल उपलब्ध है 100 फीट, 150 फीट, 200 फीट और 500 फीट नीचे भी हो सकता है। गोबर और गौमूत्र का रस घुलते हुए जिस दिन भूगर्भ के जल के साथ संपर्क में आ जाएगा, उस दिन से भूगर्भ का जल, गोबर और गौमूत्र का रस जो मिट्टी में समाहित होकर भूगर्भ के जल के संपर्क में आया है, सतत ऊंचा उठना शुरू करेगा और उठते उठते एक दिन ऐसा आएगा कि भूगर्भ का छिपा हुआ जल भूमि के ऊपरी परत में आ जाएगा। इस तरह से हमारी गैया और उसका जो गोबर है, उसका जो गौमूत्र है, वह भूगर्भ के जल को ऊपर उठाता है। इस विज्ञान को हमारे महर्षियों ने समझा था, बारीकी से इसको पहचाना था, गोबर द्वारा खींचे गए पानी के विज्ञान को समझा था और इसी के कारण भारत के सभी गांवों में एक ऐसा नियम स्थापित किया गया था कि गांव में प्रत्येक व्यक्ति के पास 50, 100, 200 और 500 गैया रहे। आज भी आप झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के गांव में चले जाएं, तब वहां आप देखेंगे कि एक एक वनवासियों के घर पर आज भी 100-150 गायें रहती है। एक बार मेरा सौभाग्य हुआ उन वनवासियों के गांव में ठहरने का, निवास का, और कुछ वृद्ध वनवासियों से जब मैंने पूछा कि आपके घर पर 100 गाय है, इसका क्या तात्पर्य है, इस गाय से कितना दूध मिलता है और कितना बड़ा आपका दूध का व्यवसाय चलता है, उन वनवासियों ने हंस दिया और कहा कि माफ़ कीजिएगा, हमारे यहाँ हमारे समाज में दूध बेचना पूत बेचने के बराबर होता है, हम कभी भी दूध नहीं बेचते और इस गैया को हम दूध के लिए नहीं रखते। तब फिर मैंने पूछा, किस लिए गैया को रखते हो आप? तब वह भाई कहता है कि जी मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे घर पर 100 गैया है, मैं इस भाव के साथ रखता हूँ कि इन गैया से ही मेरी इज्जत है, समाज में जो मेरा सम्मान है वह इन्हीं गैया के कारण है। और फिर जब मेरी उत्सुकता बढ़ी कुछ और जानने की, तब उस भाई ने बताया कि आपको पता होना चाहिए कि जब तक इस घर में मेरे पिताजी का राज था, तब तक 500 गैया मेरे घर पर थी। और भी उससे अगर आप आगे जानना चाहो तो मेरे दादाजी के समय में 1500 गाय रहती थी। आप कल्पना करें, भारत के वनवासियों के घर में, एक एक घर में 1500 और 1500 गैया रहती थी, लेकिन कभी भी दूध बेचने की कल्पना उनमें, उनके मन में नहीं आई। उन गैया के थन में दूध भी बहुत कम होता है, कोई 200 ml करती है,
कोई 500 ml करती है, उससे ज़्यादा कोई भी गैया नहीं करती। इसके लिए वो भाई दूध नहीं बेचते हैं। गैया का पालन इसलिए करते आ रहे हैं क्योंकि उन वनवासियों के परिवार में परंपरा से गौ पालन का विधान रहा है, गौ पालन की संस्कृति रही है। इस संस्कृति के पीछे जब मैंने अपनी सोच बनाई, इस पर मंथन किया, तब गाय का संबंध भूगर्भ में जल के साथ जो है, यह विज्ञान मेरे समझ में आ गई कि चूंकि ये जो क्षेत्र हैं, झारखंड का क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, उड़ीसा का क्षेत्र और ऐसे भारत में जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, जिन पहाड़ी क्षेत्रों पर हम मनुष्यों की घनी आबादी है, उन क्षेत्रों में ऐसी संस्कृति रहने का कारण यही था कि गाय उन जंगलों में घूमती थी, गोबर और गौमूत्र करती थी। वर्षा ऋतु के बूंदों के साथ गोबर गौमूत्र घुलकर भूगर्भ में जाता था और उस पठारी क्षेत्र में भी भूमि के अंदर जल 10 से 15 फीट नीचे उपलब्ध होता था। जब मैंने 30 साल पहले का आंकड़ा निकलवाया उन क्षेत्रों का, तब पता चला कि आज से 30 साल पहले उन वनवासियों के गांव में 10 से 15 फीट नीचे अथाह जल होता था। कितनी बड़ी भी खेती हो और किसी भी वनवासी के पास अगर दो कुएं हैं या एक कुएं हैं, तब वह बहुत बड़ा कृषक माना जाता था। इतना अथाह पानी का भंडार उस पहाड़ी क्षेत्र में 10-15 फीट नीचे हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे उन पहाड़ी क्षेत्रों में गायों की संख्या घटती गई और आज घटकर एक गांव में 10-15 या अधिक से अधिक 20 गाय की संस्कृति बची है, इन दिनों में उन पहाड़ी क्षेत्रों में भूगर्भ के अंदर जल की जो स्थिति है वह 150 से 200 फीट नीचे है। तो यह जो पूरा का पूरा सर्वेक्षण है, यह सत्यापित करता है कि हमारी गैया जिन जिन भूभागों में विचरण करती है, उन भूभागों में भूमि के नीचे जल बहुत ऊंचाई पर होता है, यानी बहुत कम नीचे होता है। तो यह जो जल है, यह देवता है। अगर आप यजुर्वेद पढ़ें, यजुर्वेद का एक अध्याय है, उस अध्याय में यजुर्वेद कहते हैं कि इस सृष्टि में 9 वास्तविक देवतास हैं। इस पूरे सौर्य मंडल में केवल 9 ही वास्तविक देवता हैं। सूर्य नारायण है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, अग्नि है, जल है, वायु है, आकाश है, 5 और 3 8, और माँ और पिता हैं, जिनकी परिकल्पना से इस धरती पर हमारा जन्म हुआ है। ये 9 ही वास्तविक देव हैं, यह यजुर्वेद का मत है। यजुर्वेद के मत के अनुसार जल देवता हैं। जल इस सृष्टि के 9 उत्कृष्ट देवों में एक देव हैं और इसी जल देवता का जो वास है वह गाय के पांव में है। इसी प्रकार से 32 और देवता गाय के शरीर में निवास करते हैं। जल और 32, ये 33 जो देवता हैं, यह 33 कोटि देवता हैं, मतलब 33 उत्कृष्ट कोटि के ऊंचे दर्जे के देवता गाय के शरीर में हैं। जैसा जल का विज्ञान अभी हमने आपके सामने रखा गाय के शरीर में, ऐसा ही विज्ञान और जो 32 देवताज हैं इन सभी के साथ है। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाला 4 दिन और आपके साथ मुझे संवाद करने का मौका मिलेगा और इस दौरान गाय के शरीर में निहित जो और भी देवता हैं, इन सभी देवताओं का विश्लेषण मैं आपके सम्मुख आज के विज्ञान की दृष्टि से, और यह जो परीक्षण का युग है, भौतिक परीक्षण का युग है, इस भौतिक परीक्षण के अंतर्गत किए हुए परिणामों के आधार पर आपके सम्मुख रखूं। तो हमारी गाय इतनी अद्भुत है। यहाँ पर एक प्रश्न मेरे मन में आज से 25 साल पहले उठा था और इस विषय पर जब मैंने गंभीरतापूर्वक आज से 25 साल पहले पूछा
हमें कोई उत्तर नहीं मिला। फिर एक दिन ऐसा हुआ मेरे जीवन में, अमर शहीद राजीव भाई दीक्षित आए और उनके साथ जब गहन चिंतन गाय के विषय पर हुआ, तब उन्होंने एक दर्द मेरे सामने रखा। उनका दर्द था कि जिस गौ माता को हम सदियों से माँ के रूप में पूजनीय मानते आए हैं, हमारे दिलों में आज इतने विदेशी आक्रमण के बाद भी माँ का स्थान है। हम कहीं भी इस गैया को देखते हैं तब सम्मान के साथ जो हमारा सर झुक जाता है। ऐसी लक्ष्मी देव किस कारण से आज भारत भूमि पर निःसहाय हो गई? मैं चाहता हूं कि इस विषय पर कोई काम करे। इसी सोच के साथ हम लोगों ने तमिलनाडु के कांचीपुरम जिला में एक स्थान पर गाय के विज्ञान पर काम करना शुरू किया और आज लगभग 16 साल हो गए। इस 16 सालों में गाय से संबंधित बहुत सारे विषयों पर चिंतन किया, समझ बनाई, प्रयोग किए और उन प्रयोगों के आधार पर वह जो प्रश्न जिसका उत्तर मुझे आज से 25 साल पहले नहीं मिला था वह मिल गया। वह प्रश्न था कि गाय को हम माता क्यों कहते हैं? गाय, उसका शरीर, उसका चित्त, उसमें क्या कुछ ऐसा अद्भुत है कि हम उसे बिल्कुल गाय की तरह मानते हैं? भले ही इस भारत भूमि पर 100 करोड़ से ज़्यादा गायें काट दी गई, फिर भी हमारे दिलों में गाय के प्रति जो सम्मान बचा है वह कम होने का नाम नहीं ले रहा। आखिर क्या है इस गाय में? कई बार मन में प्रश्न उठा कि शायद हम सदियों से इस गौ माता का दूध पीते आए हैं, वह हमें जन्म लेने से लेकर के और मृत्यु पर्यंत तक दूध पिलाती है, और चूंकि दूध पिलाना माँ का कर्तव्य होता है, शायद इसी भाव के आधार पर हम भारतवासियों के मन में गाय के प्रति जो है भावना माँ के रूप में रही हो। लेकिन फिर एक प्रश्न उठा कि भारत के बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोग गाय का दूध नहीं पीते हैं। जब उन लोगों से भी जब मैंने चर्चा की, उनके मन के भेद को जब जानना चाहा, तब उनके मन में भी वही परिकल्पना थी कि गाय तो माता है, माँ स्वरूपा है, बिल्कुल माँ की तरह है। और कई प्रदेश के लोगों ने तो कहा कि जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है उस माँ से भी यह गाय ऊंची है, जबकि उन प्रदेश के लोग भैंस का दूध पीते हैं। कुछ ऐसे प्रदेश के लोगों से भी मैंने मिला जहाँ के लोग बकरी का दूध पीते हैं। उनसे भी जब उनके मन की भावना जाननी चाहिए तब उन लोगों ने भी कहा कि जी पीते हैं हम दूध बकरी का, लेकिन मन में जो भावना है माँ के प्रति वो तो गाय के लिए ही है। राजस्थान के भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ के लोग उटनी का दूध पीते हैं। राजस्थान का खासकर जैसलमेर क्षेत्र जहाँ उटनी का दूध पिया जाता है, वहां के लोगों से भी मैं मिला और उनसे भी इस भावना को जब मैं जानना चाहा, तब उन लोगों ने भी कहा कि जी भले ही हम दूध उटनी का पी लें, लेकिन जो मातृत्व का जो भाव है मेरे दिल में वह तो गाय के प्रति ही है। यह कई प्रदेश के लोगों से मिलने के बाद जब उनकी भावना को मैंने जाना, उनकी भावना को जब सुना मैंने, तब मेरे मन से वह मिथ्या हट गया कि हम जीवन पर्यंत गैया का दूध पीते हैं मात्र इसके लिए इस गैया को हम माँ नहीं कहते। केवल इतना विषय नहीं है, विषय कुछ और होगा। और इसी खोज में लगभग मैं 10 साल भटका हूँ। भारत में जितने भी ग्रंथ और पुराण बचे हैं लगभग सभी ग्रंथ और पुराणों को मैंने छान मारा, एक बार समझ लिया, लेकिन कहीं भी
यह उत्तर नहीं मिला कि हम भारतीयों के खून में गाय के प्रति मातृत्व की जो भावना है, माँ होने की जो भावना है, उसका मुख्य राज क्या है। यह मुझे नहीं मिला कहीं भी, किसी भी शास्त्र में इसका उत्तर नहीं मिला। लेकिन अंत में एक वनवासी माँ ने इसका मुझे उत्तर दे दिया, और उस दिन मेरी समझ जो बनी वह यह बनी कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा मैकॉले एजुकेशन में पढ़ता है, यानी स्कूली शिक्षा में पढ़ता है, वह उतना ज़्यादा गंवार हो जाता है। मेरी भी पढ़ाई मैकॉले एजुकेशन में हुई है, मैं भी उसी स्कूली शिक्षा से निकला हुआ विद्यार्थी रहा, इसलिए मैं भी गंवार था। 10 साल तक अथक प्रयास करने के बाद भी इस प्रश्न का उत्तर मैं अपने ग्रंथों में नहीं ढूंढ पाया कि गाय में क्या कुछ ऐसा अद्भुत है कि हमारे खून में उनके प्रति माँ का सम्मान है। लेकिन एक वनवासी माँ जो कभी अपने जीवन में स्कूल नहीं गई है, कभी भी पाठशाला नहीं गई है, कभी भी गुरुकुल नहीं देखी है, कभी भी उसके जीवन में गुरु का सानिध्य नहीं मिल पाया, वह तो जो कुछ भी सीखी है वह अपनी माँ से सीखी है, या जो कुछ भी सीखी है वह अपनी सास से सीखी है, और उनकी माँ या उनकी सास वह अपने माँ से सीखी है, और वह फिर अपने माँ से सीखी है। यानी परंपरागत तरीके से जो ज्ञान संभाल कर उस वनवासी माँ ने रखी है वह अद्भुत, इतना अद्भुत, इतना अद्भुत कि जिस सवाल का उत्तर मुझे ग्रंथों में नहीं मिला, 10 साल के अथक प्रयास के बावजूद वह उत्तर वह वनवासी माँ ने दे दिया जिसे अक्षर का भी ज्ञान नहीं है। और वह ज्ञान था गाय में छिपे हुए मातृत्व की भावना का ज्ञान। हुआ यूं कि एक दिन कथा संवाद जो मैं अभी आपके सम्मुख सामने कर रहा हूँ, इसी काम के दौरान मैं एक वनवासी गांव में गया था, और वहाँ वनवासियों के बीच गाय के विज्ञान पर कथा में कर रहा था, और कथा के बाद चिकित्सा शिविर वहाँ पर लगाने थे, यानी वनवासियों की मुझे चिकित्सा करनी थी। चूंकि कई वर्षों से कथा संवाद करते करते हुए मुझ में यह घमंड आ गया था कि मैं चिकित्सा शास्त्र बहुत ज़्यादा जानने लग गया हूँ, या गाय का विज्ञान मैं बहुत बारीक से समझता हूँ। लेकिन उस माँ के साथ जब मेरा संवाद हुआ तब लगा मुझे कि शायद मैं कुछ नहीं जानता हूँ। उस माँ के गोद में एक छोटा बच्चा था, और वह बच्चा बिलख बिलख कर रो रहा था, इसलिए मेरा जो घमंड है वह जागृत हुआ, जागा। और व्याख्यान के दौरान ही उस माँ से मैंने पूछा कि आपका बच्चा बहुत बिलख बिलख कर रो रहा है, लगता है कि इस बच्चे की तबीयत खराब है, आप अगर कहो तो इस बच्चे की मैं चिकित्सा कर दूं। उस माँ ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। मैंने दोबारा प्रश्न किया तब भी उस माँ ने कोई उत्तर नहीं दिया, और जब मैंने तीसरी बार यह प्रश्न किया तो उस माँ ने गुस्से में आकर मुझसे कहा, तुम मूर्ख हो। मैं बड़ा चेत रह गया कि मैं तो इस माँ और उसके बच्चे की भले की बात करता हूँ, और ये मैया मुझे कहती है तुम मूर्ख हो। लेकिन मैंने उसकी बात का बुरा नहीं माना, और जब संवाद खत्म हुआ तब मैं उस माँ के पास गया और पूछा कि मैंने तो आपकी भला के लिए और आपके बच्चे के लिए अच्छे के लिए यह सवाल आपसे किया था कि क्या मैं आपके बच्चे की चिकित्सा कर दूं। वह माँ हंस पड़ी और वह कहती है कि तुम निरा मूर्ख हो और मैं तुम्हारी मूर्खता पर हंस रही हूँ। तो मेरा उत्साह और भी बढ़ गया, और फिर मैंने पूछा, आपको बताना ही पड़ेगा कि मेरी मूर्खता क्या है, मैंने तो अच्छे के लिए पूछा है। त
तब वह माँ जो कहती है, मेरा तो पट खुल गया, लगा उस दिन कि मेरे जीवन में कोई किसी ऐसे गुरु मुझे मिली है जिसने मेरा घमंड भी चूर कर दी और एक ऐसा अद्भुत ज्ञान जिस ज्ञान की परिकल्पना मैं जीवन भर नहीं कर सकता। वह माँ कहती है कि देखो, यह जो बच्चा है यह कुछ महीने का है, इसकी आयु बहुत लंबी नहीं है और आपको इतना तो ज्ञान होना चाहिए क्योंकि आप चिकित्सा करते हो और भारत में घूम घूम कर चिकित्सा करते हो, इसलिए आपको इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि एक अबोध बच्चा जो एक माह का भी नहीं है, यानी एक महीने का भी नहीं है, उस बच्चे को दुनिया की कौन सी औषधि आप दे दोगे जो इस बच्चे के पेट में पचेगा? क्या आपको चिकित्सा शास्त्र का इतना भी ज्ञान नहीं? मुझे लगा मैं कहीं आसमान में था, गिरकर धरती पर आ गया। उत्सुकता मेरी बढ़ी और उस माँ से फिर पूछा, जी मुझे पता नहीं है, आप मुझे बताओ। तब वह माँ अपनी भाषा में कहती है, उसे हिंदी नहीं आती थी, वह संथाली भाषा जानती थी, तो वह संथाली भाषा में माँ कहती है कि देखो, एक बच्चा जो बिल्कुल अबोध है, माँ के गर्भ से कुछ दिन पहले निकला है, इसके पेट में किसी भी तरह के टॉक्सिन को पचाने की ताकत नहीं होती। उसने टॉक्सिन का प्रयोग नहीं किया, लेकिन उसने संथाली भाषा में जो शब्द प्रयोग मिलाया उसका तात्पर्य अर्थ टॉक्सिन से होता है। उस माँ को इतना अद्भुत ज्ञान है कि एक छोटा सा बच्चा है, जो दूध पीता बच्चा है, उसके पेट में कभी भी टॉक्सिन डाइजेस्ट नहीं हो सकता, कभी भी टॉक्सिन का पाचन नहीं हो सकता। और वह माँ फिर अगला प्रश्न करती है कि आप एक अच्छे वैद्य हो, आप बताओ कि दुनिया में कौन सी ऐसी औषध है जिसमें टॉक्सिन नहीं है। मैं निःशब्द हो गया, कोई उत्तर नहीं दे पाया, क्योंकि मेरी नजरों में दुनिया में कोई ऐसी दवा नहीं है, कोई ऐसा मेडिसिन नहीं है जिसमें टॉक्सिन वैल्यू ना हो, जो हमारे शरीर के पित्त को ना बढ़ा दे, ऐसी कोई दुनिया में औषध नहीं है, चाहे वह वनस्पति जगत की औषध हो या रासायन जगह की औषध हो, चाहे वह एटॉमिक पावर वाली औषध हो या कुछ और औषध हो, कोई ऐसी औषधि नहीं है। उस माँ के पास इतना अद्भुत ज्ञान, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ उस दिन कि हमारे देश में ऐसी भी माताएं हैं जो औषधि विज्ञान के मूल को समझती हैं, हमारे देश में ऐसी भी माताएं हैं जो मनुष्य के शरीर के मूल विज्ञान को जानती हैं, बच्चे के शरीर को पहचानती है। लेकिन आज हम लोग मैकोले एजुकेशन में जाकर, मैकोले के सिलेबस में पढ़ करके, इस भौतिक विज्ञान को पढ़ करके, आज के मेडिकल साइंस को पढ़ करके, ये सब कुछ हम लोगों ने खो दिया है। लेकिन वह माँ जो स्कूल कभी नहीं गई है, परंपरागत ज्ञान के आधार पर, उस माँ को मनुष्य जीवन की इतनी ऊंची बात का ज्ञान है, पता है। फिर मेरी उत्सुकता जब और बढ़ी और उस माँ से फिर हमने पूछा कि इस बच्चे की तबीयत तो खराब है, इतना तो मुझे आभास लगता है, क्या मैं सच हूँ? उस माँ ने कहा कि आपने सच कहा, इस बच्चे की तबीयत खराब है, और इस बच्चे की तबीयत खराब है उसके लिए कौन सी वनस्पति का प्रयोग करना है इसका मुझे ज्ञान है और मैं वह वनस्पति खा रही हूँ। मेरा फिर प्रश्न था कि माँ, तबीयत इस बच्चे की खराब है और वनस्पति आप खा रही हो? फिर वह माँ हंस पड़ी और कहती है, इसलिए मैंने कहा तुम मूर्ख हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि यह मेरा बच्चा है, मेरी गोद में है और यह बच्चा मेरा दूध पी रहा है, इस बच्चे की जो औषध है उस औषध को मैं पिछले दिन से खा रही हूं और वह औषध मेरे पेट में पचा है, मेरे रक्त में घुला है और आज नहीं तो कल तक वह रक्त दूध बनकर मेरे स्तन में आ जाएगा और उसका जब पान बच्चा करेगा
मेरे स्तन का दूध जब बच्चा पिएगा तब वह औषध छन करके फिल्टर हो करके और बच्चे का जैसा शरीर है सोम की तरह कोमल, उस कोमलता के साथ उसके पेट में जाएगा और यह परसों तक निरोगी हो जाएगा। उस दिन मुझे समझ में आया मां क्या होती है। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, वनस्पति जगत की हो या रासायन जगत की हो, सभी में कुछ न कुछ मात्रा में विष है, और विष तो माँ पीती है अपने बच्चे के लिए, बच्चे को नहीं पिलाती कभी। तो इतना जो उत्कृष्ट विज्ञान हमारे देश में रहा है कि छोटा बच्चा, नन्हा बच्चा जिसके पेट में किसी भी तरह का टॉक्सिन नहीं पच सकता है, ऐसे टॉक्सिन को माँ स्वयं खाती है, अपने रक्त में घुलाती है और घुलाकर दूध बनाकर फिल्टर कर उसको शीतल कर बच्चे को प्रदान करती है। यह माँ का भाव है, यही मातृत्व है, यही वात्सल्य है, और ऐसी ही वात्सल्यता गौ माँ के साथ है। यह जो माँ होने का एक गुण है, यह जो माँ होने का एक भाव है, यही भाव हमारी गौ मैया के पास है। हमारी गौ माताएं भी जब हमें देखती है, निहारती है, तब हम भी उनकी नजर में पुत्रवत होते हैं या पुत्रियां होते हैं। और जब कभी हमारी तबीयत खराब हो जाए, जब कभी हम रोगी हो जाएं और गैया के सामने अगर नतमस्तक कर दें, तो गैया के मन में भी ऐसी ही मातृत्व की भावना उमड़ करके आती है। इसका एक छोटा सा प्रयोग हमने किया और इसके बाद तो फिर प्रयोग की श्रृंखला बढ़ती गई और आज तक सैकड़ों प्रयोग इस पर हो चुके हैं। एक बार जब मेरी तबीयत थोड़ी खराब हुई, यानी थकावट हुई, मैं बहुत ज़्यादा प्रवास करता हूँ, खासकर राजीव भाई के जाने के बाद, उनसे बिछड़ने के बाद, जब मुझे लगा कि अब इस विषय को भारत में अगर जीवित रखना है तो कहीं न कहीं मुझे अपने प्रयोगशाला, गाय और इनसे हट करके विचरण करना पड़ेगा। जितना कुछ भी मैंने समझा है गैया को, जितना कुछ समझा है अपने राष्ट्र को, स्वदेशी की भावना को, यह लोगों तक पहुंचाऊं, इसी निमित्त से मेरा प्रवास सतत चलते रहता है। और उसी प्रवास के दौरान जब मैं एक बार बहुत थक गया, लगभग मेरी तबीयत खराब होने की सीमा पर था, तब मैंने सोचा कि अब आज मैं इस बार कोई औषधि ना लूं और अपनी गौ माता से ही कहूं कि मुझे पुत्र समझ करके और मेरे रोग का निवारण कर दे। तो मैं अपनी गौशाला की एक गैया के पास गया जो मेरी सबसे प्यारी गैया है, और उनके सामने नतमस्तक होकर मैंने प्रार्थना की और उस गैया को सुबह छोड़ दिया। और जो भाई गैया को चराते हैं, उनके साथ जाते हैं गौपालन में, उनसे मैंने निवेदन किया कि आज खासकर जो मेरी सबसे प्यारी गाय है, यह गाय जिन जिन वनस्पतियों को खासकर चरे, उन वनस्पतियों को तुम लेकर के आना। गैया शाम में वापस आती है, मैंने उनका दूध पिया, धारोष्ण दूध मैंने उनका पिया और सो गया। सुबह तक मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। और उस गोपालक ने जिन जिन वनस्पतियों को इकट्ठा करके लाया, जिनको खासकर हमारी गैया चर करके आई थी, उन वनस्पतियों का मैंने केमिकल एनालिसिस करके देखा, रासायनिक विश्लेषण करके देखा, तब उन सभी वनस्पतियों में ऐसा ही गुण मिला कि वह थकावट दूर करने वाली वनस्पतियां थी। जब यह प्रयोग सफल हुआ तब मैंने फिर कुछ दूसरे प्रयोग किए, तीसरे किए, चौथे किए, और एक समय ऐसा आया जब मेरे अस्पताल में एक मरीज आया जिसकी बीमारियों को मैं समझ नहीं सका। बहुत अधिक प्रयास करने के बाद मेरी समझ से परे था कि इस व्यक्ति को बीमारी क्या है। तब मैंने इस प्रयोग को दोहराया, अस्पताल से गौशाला आया और फिर अपनी गैया के सामने नतमस्तक होकर के मैंने प्रार्थना किया कि यह जो मरीज हमारे चिकित्सालय में आया है, इसकी बीमारी को माँ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ,
मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है कि इसकी बीमारी को मैं समझूं, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप इस व्यक्ति की चिकित्सा करें। और फिर उसी प्रकार जब उस गैया को मैंने छोड़ा वनस्पति उद्यान में, जंगलों में जब छोड़ा, और वही फिर वनस्पतियों का संग्रह करके मैंने मंगवाया, और अगले दिन उस गैया का गोबर, गोमूत्र और दूध तीनों को लेकर के पंचगव्य निर्मित किया, और वह पंचगव्य जब उस मरीज पर मैंने अप्लाई किया मेडिसिन के रूप में, तब वह मरीज ठीक हो गया। उस मरीज की जो बीमारी थी वो अद्भुत बीमारी थी, दोनों किडनी पूरी तरह से लगभग फेल हो चुके थे, 80% से ज़्यादा उस मरीज की दोनों किडनी सड़ गए थे, और उनके बचने की संभावना भारत के किसी भी अस्पताल ने खो दिया था। सभी ने कह दिया था कि अब इनको बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि किडनी पूरी तरह से लगभग फेल हो चुका है। और जब उस गैया का मूत्र मैंने लगातार 7 दिनों तक उसी प्रार्थना के साथ उस मरीज को दिया, तब उनका किडनी फिर से रिकवर हो गया, फिर से किडनी पूरी तरह से काम करने लग गया, और आने वाले 2 वर्ष तक उनका जीवन बच पाया। तो ऐसे सैकड़ों प्रयोगों ने सत्यापित कर दिया कि गाय का जो शरीर है वह बड़ा ही अद्भुत है, बड़ा ही अद्भुत है, ऐसा अद्भुत है जैसी हमारी जन्म देने वाली मां अद्भुत होती है। जैसे बच्चे को कोई पीड़ा हो जाए तो मां को दर्द होता है, उसी तरह से गैया जिस घर में रहती है, जो लोग गैया के सानिध्य में रहते हैं, उन लोगों के शरीर में अगर कोई पीड़ा हो, मन में अगर कोई चिंता हो, और अगर उनके शरीर का आत्मा अगर बीमार हो, तब उस गैया के शरीर में कुछ ऐसा है कि गैया समझ लेती है, और समझने के बाद उसका निवारण कर लेती है। इस विषय पर कई वर्षों तक मैंने काम किया। काम करने के बाद यह बात पूरी तरह से मुझे समझ में आ गई कि गाय का जो शरीर है उसमें गाय का होठ होता है, लिप्स। हमारे होठ पतले होते हैं, गैया का होंठ बहुत चौड़ा होता है, काले रंग का होता है। कुछ प्रदेश की जो गैया है उनका होंठ जो है थोड़ा लाल और काला मिला हुआ होता है। तो ये जो गाय का जो होंठ है यह दुनिया का बेस्ट क्वालिटी सेंसर है, दुनिया का सबसे संवेदनशील अंग है, संवेदना को तुरंत ग्रहण करने वाला अंग है। इसे अंग्रेजी भाषा में अगर समझना है तो सेंसर से समझ सकते हो। सेंसर एक ऐसा मशीन होता है जो बाहरी बदलाव को तुरंत पढ़ लेता है, और पढ़ने के बाद बता देता है कि क्या बदलाव हुआ है। तो हमारे गैया का शरीर और उसमें जो होठ है उनका, यह ऐसा ही अद्भुत उच्च कोटि का संवेदनशील अंग है, सेंसर है। जब हम गैया के सामने बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, नतमस्तक होते हैं या उन्हें भोजन कराते हैं, तब गैया का यह सेंसर हमारे शरीर का परीक्षण करता है, और परीक्षण करके गैया जान जाती है कि हमारे सामने जो व्यक्ति बैठा है, खड़ा है या प्रार्थना कर रहा है, उसके शरीर के 5 महाभूतों में कौन सा विकार है, उस व्यक्ति के शरीर का कौन सा महाभूत असंतुलित है, गैया इसको समझ लेती है अपने सेंसर के माध्यम से। और केवल समझ लेती है, काम यहीं खत्म नहीं होता। जब वह गैया जंगलों में जाती है या चारागाह में जाती है चरने के लिए, तब ढूंढती है उन वनस्पतियों को जिन वनस्पतियों में हमारे शरीर के 5 महाभूतों के बिगड़े हुए संतुलन को संतुलित करने की शक्ति होती है। ऐसी अद्भुत है यह। इस पर भी हमने बहुत सारे प्रयोग करके देखे, और एक बड़ा सफल प्रयोग हुआ। सफल प्रयोग ऐसा हुआ कि एक बार हमने एक ऐसी वनस्पति को ढूंढा जिसको हमारी गैया कभी भी खाती नहीं है, चरती नहीं है। वह जो वनस्पति है उसमें विष की मात्रा होती है, और कुछ ऐसे घास जिनको गैया बहुत सहजतापूर्वक खाती है। दोनों को मिश्रित कर जब उनके सामने
जब मैंने एक भूखी गौ माँ के सामने रखा, तब उसके सेंसर ने एक अद्भुत तरीके से विष वाले पौधे को अलग की और अच्छे पौधे को खा ले। तब मुझे पक्का विश्वास हो गया कि ये जो गैया का ओट है ये अद्भुत है, यह अमृत को पहचानती है, ऐसे वनस्पतियों को पहचानती है जिन वनस्पतियों में अमृत का गुण अधिक होता है। और फिर उसके बाद जब गैया चरने के लिए जंगलों में या चारागाह में गई, तो मैंने बारीकी से उसको बड़ा एक्सपोजर करके उस चरने की क्रिया का जब मैंने अध्ययन किया, तब पता चला कि गैया खुद जब चरती है तब खेतों में दो तरह की वनस्पतियां होती है। एक वनस्पति ऐसा होता है जिस वनस्पति का जुड़ाव हमारे शरीर के साथ है, यानी हमारे शरीर में जितने भी तत्व हैं उन तत्वों को समाहित करने वाली वनस्पतियां, और एक वनस्पति ऐसी है जिन वनस्पतियों का हमारे शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है। तो गैया जब गोचर जमीन में जाती है तो चरते हुए अपने होठों से, अपने सेंसर रूपी होठों से ऐसे वनस्पतियों को अलग करते हुए चलती है, और जो मनुष्य के शरीर के लिए उपयोगी वनस्पतियां हैं केवल ऐसी वनस्पतियों को ही चरती है। जिन वनस्पतियों का संबंध मनुष्य के शरीर के साथ नहीं है, ऐसी वस्तुओं को, ऐसी वनस्पतियों का कभी भी भक्षण हमारी गौ माता नहीं करती है। यही कारण है कि जिस घर पर गाय रहती है उस घर के सदस्य जब गौ सेवा में लगते हैं, गाय की साधना में लगते हैं, गाय की साधना का अर्थ गाय की सेवा, गाय का गोबर साफ करना, गाय मूत्र देती है उसकी सफाई करना, गाय को नहलाना, गाय को समय पर उपयुक्त भोजन कराना, ये गौ साधना है या गौ सेवा है। गौ सेवा से ही गौ साधना होती है। तो घर पे अगर गैया है और हम अपनी गैया की अगर साधना करते हैं, तब उस साधना के दौरान गैया का जो सेंसर है, होठ रूपी सेंसर, यह हमारे शरीर की विकृतियों को जान लेती है, और जानने के बाद जब वह गोचर स्थानों पर जाती है, चारागाह में जब जाती है, तब वहां जाकर के खासकर उन्हीं वनस्पतियों को ढूंढती है जिन वनस्पतियों में हमारे शरीर के असंतुलन का निवारण हो, और फिर जब हम उसका गोबर, गोमूत्र और दूध, इन तीनों में किसी एक का या तीनों का जब हम सेवन करते हैं, जब गव्यों को हम अपने शरीर में धारण करते हैं, तब इन गव्यों से हमारे शरीर का संतुलन बन जाता है। जो बीमारियां आई है ये बीमारियां जल जड़ मूल से नष्ट हो जाती हैं। तो यह जो भाव है गाय का मनुष्य के प्रति, यह भाव, और उस वनवासी माँ ने जो माँ होने की दृष्टि मुझे दिखलाई, उस माँ में और इस माँ में क्या फर्क है। उस माँ ने भी अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, निरोगी होने के लिए एक खुद वनस्पतियों का सेवन की, उस बच्चे की अवस्था, उस बच्चे की बीमारी को समझकर। और इस गौ माँ ने भी तो यही किया है, हमें हमारे शरीर को समझकर चारागाह में जाकर ऐसी वनस्पतियों को खाकर आई है, और हमारा शरीर जैसे दूध से, दुग्ध से, जैसे गोमय से और जिस प्रकार के गौमूत्र से निरोगी हो सकता है उसको प्रदान किया है। तो यह माँ और यह माँ, इन दोनों माँ में क्या अंतर है। दोनों माँ का भाव तो एक ही है, दोनों माँ में तो एक ही वात्सल्य है, दोनों माँ के पास तो एक ही ममता है, दोनों माँ के पास बच्चों के पालन का तो एक ही विज्ञान है। शायद मुझे लगता है कि ऋषियों ने गौ माँ के शरीर में छुपे हुए इस उत्कृष्ट विज्ञान को समझा होगा, और समझने के बाद ही सतयुग काल में यह धारणा भारत में बनी होगी कि यह जो गौ है वह भी हमारी माँ है। और सतयुग से लेकर आज तक, कलयुग के दूसरे चरण तक, हम मनुष्य में जो गाय के प्रति जो मातृत्व की जो भावना है, माँ का जो प्रेम है,
वह आज तक कम नहीं हुआ, क्योंकि वह हमारे शरीर के रक्त के एक एक बूंद में समाहित है। हमारे देश की गैया को चाहे कितना भी कष्ट हो, हम उन्हें बचाने के लिए चाहे जितने भी लाचार हों, लेकिन मन से जो भावना है, मन में जो अगाध प्रेम है मातृत्व का, वह कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी फर्क नहीं है जन्म देने वाली माँ में और यह पालन पोषण और निरोगी जीवन प्रदान करने वाली माँ में। तो यह जो गैया है वह बिल्कुल माँ है। इसे आप चाहो तो आज के विज्ञान के दृष्टिपटल पर इसी तरह से सिद्ध कर सकते हो, सत्यापित कर सकते हो। अगर आपके घर में भी गाय है, बिल्कुल शुद्ध विशुद्ध भारतीय नस्ल की अगर गाय है, तब उस गौ माँ के सामने जाकर प्रातः आप प्रार्थना करके एक बार देखो आप। अगर उस गैया को विचरण करने के लिए आपने चारागाह में छोड़ा है, अगर आपने जंगलों में छोड़ा है, अगर वनस्पति उद्यानों में उस गैया को छोड़ा है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि वह गैया आपके शरीर में जितना कुछ संतुलन है, जितनी कुछ बीमारियाँ हैं, ये सभी बीमारियों से संबंधित वनस्पतियों को चरकर आएगी। और अगर आपने उस गैया का दूध, गौमूत्र और गोबर का सेवन कर लिया तो गारंटी मानो बिना औषध के आपकी चिकित्सा हो जाएगी। इतनी अद्भुत है हमारी गाय, बिल्कुल हमारी माँ की तरह, उसी माँ की तरह जिस माँ ने हमें यह शरीर प्रदान किया है, यह जीवन दिया है। इस सत्य को, इस विज्ञान को ऋषियों ने समझ कर के ही भारत भूमि पर जो गाय का सम्मान है वह माँ के रूप में स्थापित किया। इसलिए हम भारतवासी कभी भी किसी भी परिस्थिति में हम अपनी इस माँ को भूल नहीं सकते हैं, इस माँ को खो नहीं सकते हैं। हमारे मन से कभी भी गाय के प्रति जो मातृत्व की भावना है वह मिट नहीं सकता है। पिछले लगभग 500 वर्षों से यह अथक प्रयास किया जा रहा है विश्व की माफिया शक्तियों के द्वारा, विश्व में जो लुटेरे शक्तियां हैं, इन लुटेरे शक्तियों द्वारा पिछले 500 सालों से अथक प्रयास किया जा रहा है कि भारत भूमि से गाय समाप्त हो जाए, भारत भूमि पर गाय ना रहे। पिछले 500 वर्षों से ऐसा प्रयास चल रहा है, लेकिन फिर भी हम भारतवासी, हमारे पास जैसी युक्ति है, जैसी शक्ति है और जैसा बल है, उस आधार पर हम इसका विरोध करते आ रहे हैं, इसको बचाने की दिशा में कार्य करते आ रहे हैं। मुझे खुशी होता है कि पिछले कुछ वर्षों से, 4-5 वर्षों से गाय की रक्षा के दिशा में बड़ी तेजी के साथ हमारे देश में कार्य हुआ है, बड़ी तेजी के साथ गाय का संवर्धन हुआ है और बड़ी तेजी के साथ फिर से हम अपनी गाय को समझना शुरू किए हैं। और अब बहुत जल्दी समय आने वाला है, शायद 10-15 साल लग सकता है, जब हम भारतवासी फिर से माँ में छिपे हुए मातृत्व की भावना को समझ लेंगे और उसके बाद का ही जो भारत उदित होगा, उदय होगा, वह निरोगी भारत होगा। भारत सदियों से निरोगी रहा, हमने सुना है, अंग्रेजों के दस्तावेज में पढ़ा है, 17वीं शताब्दी का भारत, 18वीं शताब्दी का भारत, एक ऐसा भारत जिस भारत में बीमारियां नहीं थी, जिस भारत में लोग बीमार नहीं थे। अंग्रेजों के दस्तावेज कहते हैं कि 17वीं और 18वीं शताब्दी का भारत दुनिया के मानचित्र में एक ऐसा भारत था जिस भारत के लोगों को कोई भी गंभीर बीमारियां नहीं थी और भारत में स्थापित चिकित्सा पद्धतियां भी इतनी सुदृढ़ थी, इतनी अच्छी थी कि मनुष्य अगर अपनी गलतियों के कारण अगर बीमार पड़ जाए और किसी भी तरह की अगर बीमारी हो जाए, किसी भी तरह की अगर दुर्घटना हो जाए, तब उससे निपटने के लिए भारत के सभी गांवों में एक वैद्य हुआ करते थे, एक ऐसा वैद्य जो गांव की वनस्पतियों के जानकार हुआ करते थे, गांव में जितनी भी वनस्पतियां हैं उनको जानते थे और उनका मानवीय शरीर पर प्रयोग करना भी जानते थे। तो ऐसे वैद्य
हमारे भारत के सभी गांव में हुआ करते थे। जब गांव का कोई भी व्यक्ति या शहर का कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ जाए अपनी गलतियों से, स्वयं रूपी बीमार इस भारत भूमि पर कोई नहीं था, लेकिन कुछ अति कार्यों के कारण अगर मनुष्य बीमार पड़ जाए तब उसकी चिकित्सा के लिए प्रत्येक गांव में एक वैद्य हुआ करते थे, और उन वैद्यों के पास जो ताकत थी, गाय की ताकत और वनस्पति की ताकत थी। गाय की ताकत और वनस्पति के ताकत के आधार पर लोगों की चिकित्सा हो जाती थी। इसी प्रकार से जो है हमारे देश में कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं था। अंग्रेजों के जाने के बाद और अंग्रेजों के शासन के दौरान बड़ी तेजी के साथ इस दिशा के उल्टे रूप में हमारे देश में काम हुआ और आज का भारत गंभीर रूप से बीमार है। आज का भारत कितना गंभीर रूप से बीमार है इसे कुछ उदाहरणों से समझा जा सकता है। आप प्रबुद्ध लोग हो, इस मोरबी शहर की प्रबुद्ध जनता के समक्ष आज मेरा संवाद हो रहा है, इसलिए मैं कुछ ऐसे दस्तावेज भी आपके सामने रखूंगा जो आए दिन समाचार पत्रों में आपको पढ़ने को मिलता होगा। यह भारत देश और भारत देश की स्थिति कितनी विचित्र है, भारत देश की व्यथा इतनी गंभीर है कि इसे कुछ उदाहरणों से समझा सकता है। भारत देश की सरकार, केंद्र की सरकार प्रतिवर्ष कुछ आंकड़े प्रकाशित करती है जिसमें हम भारत के लोगों की हालत का वर्णन होता है। अगर उस आंकड़े के आधार पर बात करूं तो हमारे देश की केंद्र सरकार कहती है अपने प्रतिवेदन में कि भारत देश में चिकित्सा की समस्या इतनी गंभीर हो गई है कि आज भारत में प्रतिदिन 1000 लोग कैंसर नाम की बीमारी से मर जाते हैं। यह मेरे आंकड़े नहीं है, यह हमारे देश की सरकार के आंकड़े हैं। और हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की सरकार जो आंकड़े इकट्ठा करती है इसमें से शहरी हिस्से का आंकड़ा अधिक होता है, गांव में सर्वेक्षण आज भी बहुत कम होता है। भारत में बहुत सारे ऐसे गांव हैं, 1 लाख से ज़्यादा, हमारे भारत में लगभग 7 लाख गांव हैं, इनमें से 1 लाख गांव आज भी ऐसे हैं जहां पर सरकार की पहुंच बिल्कुल शून्य है। सरकार उन गांवों तक अभी तक नहीं पहुंची है, ऐसे गांवों की संख्या 1 लाख से अधिक है। तो यह सरकार का जो सर्वेक्षण है, यह सर्वेक्षण केवल शहरी क्षेत्रों का है या शहर से जुड़े हुए गांव का है? तो केवल इतने क्षेत्र में ही प्रतिदिन 1000 लोग मर जा रहे हैं हमारे देश में, क्योंकि कैंसर नाम की बीमारी की सफल चिकित्सा आज तक विकसित नहीं हो पाई है। ऐसी हमारे देश की हालत हो गई है। अगर एक दूसरे उदाहरण से हम अपने देश की हालत को अगर समझना चाहें तब हम समझ सकते हैं कि हमारे देश में हृदय घात नाम की बीमारी है जिसको हार्ट अटैक कहते हो आप। प्रतिदिन 2500 लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं, क्योंकि हार्ट की बीमारी की अच्छी चिकित्सा आज भी भारत में उपलब्ध नहीं है, और अगर उपलब्ध है तो बहुत ऊंची कीमत पर उपलब्ध है, जहां तक पहुंच भारत के मध्यवर्गीय परिवारों का नहीं है। तो हमारे देश में 2500 लोग हार्ट अटैक से प्रतिदिन मरते हैं, क्योंकि हृदय घात की सरल चिकित्सा हमारे देश में उपलब्ध नहीं है। 1000 से ज़्यादा लोग कैंसर से मर जाते हैं, क्योंकि कैंसर की चिकित्सा आज उपलब्ध नहीं है। इसके आगे जो कुछ उदाहरण है वह तो और भी गंभीर है। हमारे देश में वायु की स्थिति, एयर पॉल्यूशन, इतना खतरनाक हो गया है कि हमारे देश में 30% लोग, यानी प्रत्येक 100 में 30 लोग ट्यूबरक्लोसिस
के मरीज हैं, क्षय रोग जिसको कहते हैं टीबी। यह श्वसन तंत्र और फेफड़े का एक गंभीर रोग है जिससे व्यक्ति जीवन भर बाहर नहीं निकल पाता है। तो यह ट्यूबरक्लोसिस नाम की जो बीमारी है भारत के 30% जनसंख्या को है। टीबी हो जाने के बाद जल्दी मृत्यु नहीं आती, लेकिन शरीर इतना कमजोर होता है कि इस शरीर से कुछ भी काम नहीं लिया जा सकता है। आप में काम करने की क्षमता, चलने की क्षमता और सोचने की क्षमता, ये तीनों क्षमताएं नष्ट हो जाती है। तो ऐसी बीमारी ट्यूबरक्लोसिस आज भारत की 30% जनसंख्या को है। और इसी में से एक सत्य और हमारी सरकार कहती है कि माइल्ड टीबी भारत की लगभग 80% जनसंख्या को है। प्रत्येक 100 में 80 लोग भारत में ऐसे हैं जिन्हें माइल्ड टीबी है। माइल्ड टीबी का अर्थात हुआ श्वसन तंत्र का प्राथमिक रोग। हाँ, श्वसन तंत्र जो है उसका प्राइमरी डिजीज जो है वो भारत की 80% जनसंख्या को है। इससे भी जो गंभीर आंकड़ा हमारी सरकार देती है, वो सरकार कहती है कि हमारे देश में बांझपन की स्थिति बहुत ही खराब है, बहुत ही दयनीय है। भारत की 30% बेटियां शादी होने से पहले, वैवाहिक जीवन में बंधने से पहले ही बांझ हो चुकी हैं। वह विवाह के बाद मां नहीं बन सकती। इसी में से निकला हुआ एक और आंकड़ा है कि हमारे देश के युवा जो बिल्कुल अभी शादी के लायक हैं, कुछ दिनों में जिनका विवाह होने वाला है 100 में 25 युवा विवाह से पहले ही नपुंसक हो गए हैं। हमारे देश की स्थिति आज इतनी गंभीर है। हमारी बेटियां बांझ हो गई, हमें पता नहीं। हमारे बेटे नपुंसक हो गए, हमें पता नहीं। हमारे घर का कोई भी सदस्य कभी भी हार्ट अटैक से मर सकता है, पता नहीं। हमारे घर में कैंसर का मरीज कभी भी कोई हो सकता है, पता नहीं। शायद हमारे घर में ट्यूबरक्लोसिस का मरीज है, हमें पता नहीं। भारत की जो दयनीय स्थिति है इसके कुछ नमूने मैंने आपके सामने रखे हैं, और ये आंकड़े मेरे नहीं हैं। ये आंकड़े जो है वो भारत सरकार का है और भारत सरकार के अंतर्गत काम करने वाले कुछ हेल्थ एजेंसियों के हैं जो प्रतिवर्ष स्वास्थ्य के दिशा में क्षेत्र में बराबर सर्वेक्षण का काम करते रहते हैं। तो आज यह भारत 17वीं-18वीं शताब्दी का भारत और आज का भारत, इतना अंतर है। 17वीं-18वीं शताब्दी के भारत में कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं था, और आज विज्ञान का युग है। हम कहते हैं विज्ञान का युग है। हम सतत कहते हैं, यह कहते हुए कभी नहीं थकते कि हम विकास कर रहे हैं, हम विकास के पथ पर जा रहे हैं, विकास की सीढ़ियां बना रहे हैं, विकास के गगनचुंबी इमारत बना रहे हैं, और विकास के नाम पर ब्रिज बना रहे हैं, कंक्रीट के जंगल बसा रहे हैं। यह कैसा विकास! 17वीं शताब्दी का विकसित भारत, जिस भारत में कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं था, और यह आज का वर्तमान कैसा विकसित भारत जिसमें भारत की 85% जनसंख्या गंभीर रूप से बीमार है। प्रत्येक 100 में 85 व्यक्ति कहीं न कहीं अपने शरीर की शारीरिक पीड़ा से परेशान है, मन में मानसिक पीड़ा से परेशान है। और एक विषय जिस पर आज का विज्ञान मौन है वह है आत्मा का विषय। आत्मा रूपी, आत्मा तो हम सभी का बीमार है। आत्मा को अगर समझना है बिल्कुल सरल, और बिल्कुल सरल भाषा में अगर समझना है तो हम चेतना से समझ सकते हैं। हम भारतवासियों की चेतना बिल्कुल मर गई है, हमारी चेतना निष्क्रिय हो गई है। और इसी को अध्यात्म के ऊंचे शब्द में कहते हैं कि हमारी आत्मा बीमार है। हम शरीर से बीमार हुए, मन से बीमार हुए, और शरीर से बीमार हो गए। तो आखिर 18वीं शताब्दी का भारत और आज का भारत, इसमें क्या कुछ ऐसा हुआ कि आज हम बीमार हो गए?
क्या कुछ ऐसा हुआ। हमारी सरकारें विकास का राग तो अलापती हैं, लेकिन पूरा का पूरा भारत बीमार है। इस बीमारी के कारण पर हमारी सरकारें कभी चिंतित नहीं होती। क्या करें फिर, ऐसे में हम भारतवासियों को कैसे निरोगी जीवन मिल सकता है। हमारी सरकारें तो विश्व पटल पर जब जाती है तब चिल्ला चिल्ला करके कहती है कि 20वीं शताब्दी का भारत निरोगी भारत होगा। मुझे नहीं लगता कि भारत की कोई भी ऐसी क्रिया, कोई भी ऐसी योजना हो जिसके आधार पर हम 20वीं शताब्दी में निरोगी हो जाएंगे। हाँ, 20वीं शताब्दी में ऐसा ज़रूर होगा कि हर सड़क के चौराहे पर एक हॉस्पिटल मिलेगा और हर सड़क के एक चौराहे पर एम्बुलेंस जरूर मिलेगा। ऐसा भारत जरूर 20वीं शताब्दी में बन सकता है, लेकिन निरोगी भारत बनेगा ऐसी कोई योजना और परिकल्पना सरकार की हो, ये मुझे समझ में नहीं आता। हमारे सरकार का जो स्वास्थ्य बजट है, हेल्थ बजट, ये प्रतिवर्ष बढ़ते जाता है। इस साल गुजरात सरकार ने 24,000 करोड़ का हेल्थ बजट आवंटित किया है। इस साल गुजरात की सरकार गुजरात वासियों के लिए 24,000 करोड़ रुपया आवंटित की है और इसे स्वास्थ्य के नाम पर या स्वास्थ्य के लिए खर्च किया जाएगा। हमारे मन में कभी भी यह भाव उत्पन्न नहीं होता कि मैं अपनी सरकारों से यह पूछूं कि यह 24,000 करोड़ रुपया जो आप खर्च करने जा रहे हो, इससे कितने गुजरातियों की चिकित्सा हो पाएगी और गुजरात कितना निरोगी हो पाएगा, यह सवाल हम कभी भी अपनी सरकारों से नहीं करते। और आप देखो 1947 के बाद का भारत कि प्रतिवर्ष हेल्थ बजट जिस गति से बढ़ता है उसी गति से देश में रोगों की संख्या भी बढ़ती है, रोगियों की संख्या भी बढ़ती है। जैसे जैसे बजट बढ़ता है वैसे वैसे रोग और रोगियों की संख्या बढ़ती जाती है। यह जो दो आंकड़े हैं, सरकार के द्वारा आवंटित स्वास्थ्य बजट और रोगियों की संख्या, ये अस्पष्ट रूप से मुझ जैसे व्यक्ति को यह कहता है यह आंकड़ा कि रुपया खर्च करने से, बजट बढ़ाने से देश के लोग निरोगी हो जाएं, यह कतई संभव नहीं है। क्योंकि 68 साल के इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं कि किसी भी राज्य ने स्वास्थ्य बजट को सबसे ऊंचा कर दिया और उस राज्य में लोग बीमारी से मुक्त हो गए, ऐसा आज तक हुआ नहीं। इस आधार पर मैं भी सरकारों से कहते आ रहा हूं पिछले 5 वर्षों से कि हेल्थ बजट बढ़ाने से हम भारतवासियों की चिकित्सा हो पाएगी, यह कतई संभव नहीं लगता। इसके लिए जो कुछ भी प्रयास करना पड़ेगा वह हम भारतवासियों को स्वयं प्रयास करना पड़ेगा। 17वीं और 18वीं शताब्दी का भारत और उस भारत का विज्ञान अगर समझने की कोशिश करें आप, जैसा मैंने समझा है, अगर इसे समझने की कोशिश मेरी दृष्टि से करो तो हमारे देश में एक ऋषि का ग्रंथ, स्वास्थ्य ग्रंथ आज भी उपलब्ध है जिसका नाम है अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रहम। ये दो ग्रंथ ऐसे हैं जो ऋषि चरक के विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा लिखा गया है। इन दो ग्रंथों की रचना भारत में लगभग आज से 2000 या 2500 साल पहले हुआ। इस रचना में, इस दो ग्रंथों की रचना में जितने भी सूत्र, स्वास्थ्य के सूत्र हैं या फार्मूले हैं या समीकरण हैं, ये सारे समीकरण महर्षि वाग्भट नाम के एक बहुत बड़े ऋषि तुल्य वैद्य द्वारा किए गए क्लिनिकल ट्रायल से निकला हुआ है। ऋषि चरक और उनका जीवन, इस पर मैं कल विस्तार से बात करूंगा कि हमारे देश में ऋषि चरक नाम के जो व्यक्ति हुए वह कैसे व्यक्ति हुए, कितने अद्भुत हुए, उनका जीवन कैसा था। आज दुनिया के किसी भी राष्ट्र में आप चले जाएं, अमेरिका हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अफ्रीका हो, कहीं भी आप चले जाओ और उस देश में जो चिकित्सा पद्धतियां आज उपलब्ध है और विद्यार्थी जिन चिकित्सा पद्धतियों को पढ़ते हैं उस चिकित्सा के ग्रंथ के पहले पन्ने पर लिखा होता है ऋषि चरक इज द फादर ऑफ मेडिसिन।
शायद भारत के चिकित्सा शास्त्रों में, चिकित्सा ग्रंथों में यह शब्द ना मिले, लेकिन भारत के बाहर दुनिया के हर देश के चिकित्सा ग्रंथों में यह शब्द लिखा होता है, वह ऋषि चरक कौन थे? आखिर हम भारतवासी उन ऋषि चरक को क्यों नहीं जानते? इस पर मैं कल विस्तार से बात करूंगा। और ऋषि चरक जिस चिकित्सा गुरुकुल के, गुरुकुलीय चिकित्सा विश्वविद्यालय के गुरुकुलपति रहे, उसी विश्वविद्यालय में एक उनके शिष्य के रूप में वाग रहे। वाग का जो जीवन है, वाद में वाग भट कहलाया। और जब इन्होंने बहुत बड़ी कृति स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया, गाय के क्षेत्र में किया, तुलसी के पौधे के क्षेत्र में किया, और जब उन्होंने इस सृष्टि में भारतवासियों के लिए एक दुनिया का श्रेष्ठ अस्पताल बना करके दिया जिसका नाम है रसोई घर, जब रसोई घर की यह परिकल्पना भारत के घरों में साकार हुआ, तब उन्हें महर्षि का दर्जा दिया गया और वे बाद में महर्षि वाग भट कहलाए। यह महर्षि वाग भट कौन थे, कहां के थे, इनका जीवन कैसा था और इन्होंने क्या क्या विज्ञान इस भारत भूमि को दिया, इन दोनों महर्षियों के ऊपर मैं चर्चा कल की संवाद कथा में करूंगा। तो यह जो भारत है और भारत में जितने भी ऋषि हुए, ऋषि यानी विज्ञानी, जिन्होंने प्रकृति के वास्तविक विज्ञान को जाना, समझा, उसका परीक्षण किया और परीक्षण करने के बाद उस कालखंड के राजाओं को उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए दिया, और राजाओं ने उस विज्ञान को संस्कार रूपी ढाल में ढालकर हमारे जीवन में प्रत्यारोपित कर दिया। और ऐसा अद्भुत विज्ञान आज भी हमारे पास, हमारे घरों में, हमारे संस्कारों में, हमारे पर्व त्योहारों में जीवित है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इसमें से जो सबसे अद्भुत देखता हूँ मैं महर्षि वाग्भट के जीवन कालखंड को, तो महर्षि वाग्भट जी का जो पहला अध्याय है, उन्होंने पुस्तकें नहीं लिखी। महर्षि वाग्भट के बाद जो 12वें महर्षि वाग्भट हुए, उन्होंने वृद्ध वाग्भट द्वारा परीक्षण किए गए सूत्रों का केवल संकलन किया, जो दो खंडों में है, एक अष्टांग हृदयम है और इस एक अष्टांग संग्रहम है। अष्टांग संग्रहम महर्षि वाग्भट के उन सूत्रों का संकलन है जिसमें वाग्भट जी कहते हैं कि देखो, मनुष्य अपने जीवन को ऐसा बना ले कि वह कभी भी बीमार ना पड़े। तो बीमार हम ना पड़े, इसके लिए अष्टांग हृदयम में 3000 फॉर्मुलेशंस हैं, 3000 फॉर्मुलेशंस का संग्रह है, 3000 सूत्र हैं, मेडिकल टिप्स हैं, ऐसा कह सकते हो। उस 3000 सूत्रों का जब मैंने अध्ययन किया, तब मुझे समझ में आया कि महर्षि वाग्भट जी के जीवन में गाय बहुत ऊंचाई पर थी। गाय को बड़ी बारीकी से महर्षि वाग्भट ने समझा था, और यही कारण है कि 5000 जो सूत्र अष्टांग हृदयम में हैं, उसमें 500 से ज्यादा सूत्र गाय पर हैं, गाय आधारित हैं। दूसरा स्थान जो अष्टांग हृदयम और संग्रह में मिलता है, वह तुलसी का स्थान मिलता है। तुलसी के बारे में महर्षि वाग्भट जी कहते हैं कि यह इस सृष्टि की अद्भुत वनस्पति है, वनस्पतियों में राजा है, वनस्पतियों में श्रेष्ठ है, और तुलसी का जीवन मनुष्य के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, और उनके क्लिनिकल ट्रायल में लगभग 200 से ज़्यादा फॉर्मुलेशन तुलसी के पौधे पर है। और तीसरी बात जो वो कहते हैं महर्षि वाग्भट जी, वो कहते हैं अद्भुत भारत के रसोई घर के बारे में। और इन तीनों विधाओं पर उनका कहना है कि मनुष्य जीवन के लिए, मनुष्य जीवन बीमार ना पड़े, मनुष्य कभी भी किसी बीमारी की चपेट में ना आए, इसके लिए मनुष्य के जीवन में जो गाय है, यह मनुष्य के लिए प्रथम सुरक्षा चक्र है। दूसरा जो सुरक्षा चक्र है, वह तुलसी वनस्पति है,
और तीसरा सुरक्षा चक्र है वह हमारे घर का रसोई घर है। तो रसोई घर की परिकल्पना उन्होंने की, उसकी डिजाइनिंग किया, उसकी उसका बनावट तैयार किया कि एक ऐसा रसोई घर जो सृष्टि का सबसे उच्च कोटि का अस्पताल हो, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, मोटाई कितनी होनी चाहिए, उसमें खिड़कियां कितनी होनी चाहिए, खिड़कियां किस तरफ खुलने चाहिए, और उस रसोई घर में भोजन पकाने के लिए चूल्हा कैसा हो, चूल्हा पर रखने वाला बर्तन की डिजाइनिंग कैसी हो, अगर चोखा पकाना है तो चोखा के बर्तन कैसे हों, अगर रोटी पकाना है तो रोटी के तवे कैसे हों, अगर कड़ी बनानी है तो कड़ी के बर्तन कैसे हों, और अगर स्वच्छ जल रखना है तो उसके लिए बर्तन कैसे हों। और फिर उन सब की कलाएं उन्होंने विकसित की, और इन कलाओं में उन्होंने समाहित किया सृष्टि के 48 वन औषधियों का संग्रह, और उन सबको कहा कि यह सभी रसोई घर के अभिन्न अंग हैं। आज उन्हीं 48 में कुछ 8-10 औषधियां हमारे किचन में बची हुई हैं, जिसको हम हल्दी, धनिया, मिर्च, जीरा, सौंफ आदि के नाम से जानते हैं। ऐसी 48 औषधियां हैं। अगर ये 48 औषधियां अगर हो तभी वह रसोई घर कहलाएगा, नहीं तो फिर किचन कहलाएगा। तो आज भारत में गाय हमारे जीवन से चली गई, ऐसा ही उपद्रव हमारे देश में किया गया। तुलसी का पौधा हमारे घर से चला गया, क्योंकि अब तुलसी को रखने के लिए आंगन का प्रावधान हमारे घरों में नहीं होता, तुलसी भी हमारे जीवन से चली गई, और रसोई घर भी चला गया, किचन बच गया है। तो ये तीन सुरक्षा चक्र थे हमारे जीवन में। गाय के बारे में महर्षि वाग्भट जी कहते हैं कि यह मनुष्य जीवन की पहली सुरक्षा चक्र है, इसलिए गैया को कभी भी घर के दरवाजे पर रखो। पुराने भारत में जितने भी आप घर देखोगे, आप लगभग 100 साल पुराना घर अगर कभी आपको देखने को मिल जाए, तब उस घर की वास्तुकला का आप ध्यानपूर्वक निरीक्षण करोगे, तब आप पाओगे कि गाय घर पर घर के दरवाजे पर ही रहती थी। घर के मुख्य दरवाजे पर ही गौशालाएं होती थी, छोटी छोटी गौशालाएं, दो गाय की, चार गाय की। यानी गाय हमारे दरवाजे पर रहने वाली प्रथम जीव है, और वह हमारे जीवन के लिए प्रथम सुरक्षा चक्र है। और घरों की बनावट ऐसी होती थी कि मध्य में एक खुला स्थान होता था जिसे हम आंगन कहते हैं, और उस आंगन के मध्य में तुलसी जी का निवास होता था। यह हमारे जीवन के लिए दूसरी सुरक्षा चक्र है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, गाय तो हट गई दरवाजे से, और घर बनाने का प्रावधान ऐसा हुआ कि उसमें आंगन नहीं, आंगन की जगह आ गया डाइनिंग स्पेस, जिसमें तुलसी के पौधे की जगह डाइनिंग टेबल होता है। डाइनिंग टेबल ने वह स्थान ले लिया, तुलसी को हटा दिया, तो हमारे जीवन से दूसरी सुरक्षा चक्र भी समाप्त हो गई। और तीसरी सुरक्षा चक्र जो रसोई घर था, वह 48 दुनिया के श्रेष्ठ औषधियों का संग्रह था, और दुनिया का बेस्ट क्वालिटी हॉस्पिटल था, वह हॉस्पिटल भी बर्बाद हो गया, और अब एक छोटा सा किचन बच गया जिसमें मुश्किल से 8-10 औषधियां होती है, उससे ज्यादा नहीं होती। अगर किसी घर की अगर माता बहुत जागरूक है, उसे अगर बहुत ज्यादा ज्ञान आभास है, तो अधिक से अधिक 15 औषधियां होती है। ये मैंने गिन के देखा है बहुत सारे प्रदेशों में। अब किचन में 15 औषधियों से अधिक नहीं मिलता, लेकिन महर्षि वाग्भट को जब आप पढ़ोगे, उनका अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रह आप पढ़ोगे, तो महर्षि वाग्भट जी कहते हैं कि इस शरीर में आए हुए किसी भी विकार को अगर मिटाना है, तब इस शरीर को 48 औषधियों से जोड़ दो। 48 औषधियां जो आज मसाले के रूप में उपलब्ध है, इसके साथ अगर हमारा जीवन जुड़ा रहा तो निश्चित रूप से इस शरीर में कोई भी बीमारी नहीं आ सकती है। ऐसा अद्भुत ग्रंथ है अष्टांग हृदयम, जिसकी रचना महर्षि वाग्भट की परंपरा में 12वें शिष्य ने की। 12वें शिष्य ने यह आभास किया कि अब गुरु शिष्य परंपरा में इस विज्ञान को जीवित नहीं रखा जा सकता है, तब उस शिष्य ने उसे शब्द दे दिया।
और जब शब्द दिया तब कुल मिलाकर के 7000 फार्मुलेशन जीवित थे उस समय से। इन 7000 फार्मुलेशंस में सूत्रों में आधे फार्मुलेशन इस बात के लिए थे कि यह शरीर ना बीमार पड़े इसके लिए हमें क्या क्या करने चाहिए, और वही जो संग्रह है वह अष्टांग हृदयम है। और अगर हमारी गलतियों के कारण यह शरीर बीमार पड़ जाए तब उस बीमारी की चिकित्सा जिन सूत्रों से हो उन्हीं सूत्रों का जो संकलन है वह अष्टांग संग्रहम है। अष्टांग संग्रहम में लगभग 3500 फार्मुलेशंस हैं। इन 3500 फार्मुलेशंस में ज़्यादातर जो फार्मुलेशंस है वह हमारे रसोई घर का फार्मुलेशंस है कि हमारे रसोई घर में 48 जो मसाले हैं इन मसालों के साथ किस मौसम में कौन से पकवान की मदद से हम अपने शरीर को निरोगी रख सकते हैं, यही विज्ञान है अष्टांग संग्रहम का। तो ये तीन चीज़ें जो महर्षि वाग्भट की दी हुई थी, आज से 2000 साल पहले का भारत, ऋषि चरक जी इस धरती पर 3500 साल पहले हुए, भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर 5000 साल पहले हुए। भगवान कृष्ण ने जो इस धरती पर जो आणविक युद्ध किया उस युद्ध के का जो परिणाम था उसके बाद इस सृष्टि को फिर से निरोगी रूप में बसाने के लिए प्रकृति ने इस धरती को ऋषि चरक दिया, और ऋषि चरक के परंपरा में जो है ऋषियों का चिकित्सा रूपी ऋषियों का एक ऋषियों के एक बहुत बड़ी परंपरा चली, और वह परंपरा लगभग 1000 साल तक चली। उसी परंपरा में महर्षि वाग्भट हुए जिन्होंने इस भारत को निरोगी रखने के लिए इन तीन सुरक्षा चक्रों का नियम दिया। इन्हीं तीन सुरक्षा चक्रों को अंग्रेजों ने बड़ी बारीकी के साथ 17वीं शताब्दी के भारत में समझा कि भारत संपूर्ण रूप से निरोगी है, कारण भारत के लोगों का जीवन तीन सुरक्षा चक्रों में बंधा हुआ है। उनका जीवन गाय से बंधी हुई है और गाय घर के दरवाजे पर रहती है। दुनिया का कोई भी परजीवी गाय को लांघकर घर में प्रवेश नहीं कर सकता। परजीवी समझते हो, परजीवी का अर्थ होता है वायरस। वायरस कोई नया शब्द नहीं है, वायरस कोई नया शब्द नहीं है। वायरस तो हमारे शास्त्रों में परजीवी के नाम से सदियों से सतयुग से जाना जाता रहा है। आपको एक कहानी मैं आने वाले दिनों में बताऊंगा कि दुनिया में पहला वायरस किसने तैयार किया। आज भी हमारे देश का पुराण गवाह है कि दुनिया का पहला वायरस भगवान शिव ने तैयार किया था, और इस दुनिया का दूसरा वायरस भगवान विष्णु ने तैयार किया था। यह वायरस बनाना और उससे रोगों को कष्ट पहुंचाना यह आज के युग की परिकल्पना नहीं है, बल्कि इसका निर्माण तो सतयुग में हो गया था। तो कोई भी परजीवी जिसको आज की भाषा में हम वायरस कहते हैं यह तब तक घर में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक घर के दरवाजे पर गाय हो। गाय कभी भी परजीवी को घर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देती। तो अगर हमारे घर में अगर कोई रोग उत्पन्न करने वाला वायरस अगर प्रवेश करने वाला है और घर के दरवाजे पर अगर गाय है तो उसकी ताकत नहीं कि वह घर में घुस जाए। और अगर किसी कारणवश किसी युक्ति के आधार पर ऐसा परजीवी अगर घर के अंदर प्रवेश कर जाए और घर के मध्य में अगर तुलसी का पौधा है तब उस परजीवी की मौत तुलसी के पास ही हो जाती है। तुलसी उसे कभी जीवित नहीं छोड़ता परजीवियों को। वायरस को नष्ट करने की जो दूसरी अद्भुत ताकत है वह तुलसी के पौधे के पास है। इसलिए महर्षि वाग्भट जी ने तुलसी को मध्य सुरक्षा चक्र के रूप में हमारे घरों में स्थापित करवाया। और अगर किसी युक्ति से अगर वह वायरस तुलसी के पौधे को भी पार कर जाए, तुलसी के चपेट से छुटकर अगर आगे बढ़ जाए तब रसोई घर उसे कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि वहां 48 इस सृष्टि के उत्कृष्ट औषध हैं। तो यह तीन सुरक्षा चक्र
जिनकी स्थापना वाग्भट जी ने की, गाय तुलसी और रसोई घर। इसको अंग्रेजों ने बारीकी से समझा कि यह भारत निरोगी है क्योंकि यहाँ पर 3 सुरक्षा चक्र लगे हुए हैं। जब तक 3 सुरक्षा चक्र टूटेंगे नहीं भारत के सामाजिक जीवन से, तब तक भारत के लोग बीमार नहीं पड़ सकते। और भारत के लोग जब तक बीमार नहीं पड़ सकते, तब तक आप इनको लूट नहीं सकते हो। जब तक भारत के लोग बीमार न पड़ जाएं, तब तक भारत के लोगों को आप गुलाम नहीं बना सकते। इनकी चेतना इतनी ऊंची है, इनकी चेतना इतनी ऊंची है कि ये दुनिया के किसी भी गुलामी के बंधन को ज्यादा दिन तक नहीं झेल सकते, नहीं रह सकते। इनकी चेतना को तोड़ना पड़ेगा, इनकी चेतना को मारना पड़ेगा। चेतना को बिना मारे हुए हम भारतवासियों को रोगी नहीं बना सकते। हम भारतवासियों को कई सौ सालों तक गुलामी के बंधन में जकड़ कर नहीं रख सकते। इस भारत में जो श्रम शक्ति है, इस श्रम शक्ति का अगर शोषण करना है तो भारत के लोगों को बीमार करना पड़ेगा, भारत के लोगों को गरीब करना पड़ेगा, इन्हें लूटना पड़ेगा, इनकी संपत्ति को लूटना पड़ेगा, इनके स्वास्थ्य को लूटना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अगर धन से मजबूत हो, समृद्ध हो और शरीर से शक्तिशाली हो, उस व्यक्ति को दुनिया की कोई भी ताकत गुलाम बना के नहीं रख सकती है। इसको बड़ी बारीकी के साथ अंग्रेजों ने समझा था और समझने के बाद ही योजना बनाई कि एक एक कर तीनों सुरक्षा चक्रों को कैसे तोड़ा जाए। तब उन्होंने पहला आक्रमण भारत की संस्कृति पर गाय पर किया, सबसे पहला आक्रमण। धन बड़ा विषय नहीं था उनके लिए, धन तो मुगल भी बहुत लूट कर ले गए, अंग्रेजों ने भी लूटा, वह बड़ा विषय नहीं था। अंग्रेजों के लिए बड़ा विषय था भारत की श्रम शक्ति का शोषण करना। और इसके लिए भारत की जो पहली सुरक्षा चक्र थी गाय, इस गाय पर आक्रमण शुरू किया। और लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में एक पहला कानून बना कि भारत में गायों का संवर्धन, गायों का संवर्धन भारत में भारत के उत्कृष्ट कोटि के नंदियों से होता है। भारत भूमि पर उत्कृष्ट कोटि के नंदी हैं, अद्भुत अद्भुत नंदी हैं। इन नंदियों से ही संवर्धित गाय उच्च कोटि की है, इसलिए अगर गाय को नष्ट करना है, समूल नष्ट करना है, तब गाय के बीज को नष्ट कर दो। और एक कानून बना अंग्रेजों ने भारत भूमि पर बनाया कि भारत भूमि पर कोई भी ऐसी संपत्ति जिस संपत्ति पर किसी का व्यक्तिगत अधिकार नहीं है, उस संपत्ति को अगर कोई नष्ट कर दे, उस संपत्ति को अगर कोई लूट ले, तब उस पर कोई मुकदमा नहीं हो सकता, कोई FIR नहीं हो सकता। और ऐसा कानून भारत देश में अंग्रेजों ने इम्प्लीमेंट किया। यह कानून उस समय के किसी भारतवासी को समझ में नहीं आया, क्योंकि वह कानून में सीधे सीधे गाय की हत्या लिखी हुई नहीं थी। लेकिन अंग्रेज जानते थे कि गायों का संवर्धन भारत में उच्च कोटि के नंदियों से होता है, और भारत के गांव में जितने भी उच्च कोटि के नंदी हैं, इस पर किसी का भी मालिकाना हक नहीं होता, वह पूरे गांव का राजा होता है। नंदी गांव का राजा होता है, नंदी गांव का संचालन करता है, नंदी गांव का मुखिया होता है, वह गांव की सारी गायों का संवर्धन करता है, उस पर किसी का मालिकाना हक नहीं होता। गांव का नंदी किसी का खेत चर ले, किसी के खेत की खड़ी फसल को चर ले, उस व्यक्ति के दिल पर कभी भी शिकन नहीं होता है। वह तो हाथ जोड़कर विनम्रता से कहता है, नंदी महाराज फिर सेवा का मौका कब दोगे। ऐसी ऊंची भावना भारत के कृषकों में थी, भारत के किसानों में इतनी ऊंची भावना थी। उस नंदी पर किसी एक किसान का अधिकार नहीं होता था। इस कानून की आड़ में अंग्रेजों ने भारत के सारे उत्कृष्ट नंदियों को कटवा दिया, एक भी मुकदमा नहीं हुआ, एक भी FIR नहीं हुआ, क्योंकि उस पर FIR कौन करे, कौन पुलिस थाने में जाकर के कहे कि वह मेरा नंदी था, वह तो पूरे गांव का नंदी था। और भारत से सारे उत्कृष्ट कोटि के नंदी कट गए, और उसी के बाद हमारी गायों का जो
अस्तर है, गाय जो बहुत उच्च कोटि की होती थी उनका अस्तर गिरता गया गिरता गया गिरता गया, और आज ऐसी स्थिति हो गई है कि भारत में जो बची हुई 100 प्रजाति की गायें हैं उनमें से लगभग 85% गायों के थन में दूध नहीं है। गाय और उसका जीवन, उसका शरीर, उसका अस्तर इतना गिरा इतना गिरा इतना गिरा, और वह आज हमारे लिए बिना काम की हो गई है, ऐसा भारत के किसान कहते हैं। भारत के किसान यही कहते हैं कि ये गाय दूध नहीं देती और गोबर और गौमूत्र अब हमारे खेत की जरूरत नहीं है, बैल और हल मेरी जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार ने ट्रैक्टर उपलब्ध करवा दिया है, खेतों में गोबर और गौमूत्र की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार ने यूरिया और डीएपी उपलब्ध करा दिया है, और यह गाय जो दूध नहीं होती है मेरे किस काम की है, इसका पालन पोषण और संवर्धन तो मेरे लिए भार है। इसलिए भारत के किसान प्रतिदिन लाखों की संख्या में ऐसी गौओं को बेच रहे हैं और हमारे देश के किस कसाई इसको खरीद रहे हैं, और हमारे देश में धड़ल्ले से गौ मांस का व्यापार चल रहा है। हमारे देश और उसके कई प्रदेशों में गौ हत्या बंदी का कानून जरूर लगा है, लेकिन यह कितना सक्षम है और कितनी पूर्णता के साथ संपूर्णता के साथ इम्प्लीमेंटेड है इस पर कोई टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते हो। कानून बनाने से अगर हमारे देश में गाय की रक्षा हो गई होती तब तो गुजरात में कभी भी गाय नहीं कटती, क्योंकि यहाँ तो गौरक्षा गौ हत्या बंदी का कानून बहुत पहले लग गया। राजस्थान जैसे प्रदेशों में तो बहुत पहले गौ हत्या बंदी का कानून लग गया है, और अभी 2 साल पहले महाराष्ट्र में गौ हत्या बंदी का कानून भी लग गया, लेकिन इन सभी राज्यों में भी चुपके चोरी गौएँ कटती हैं। कारण यही कि कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, हमारी गैया को हमें समझना पड़ेगा, गैया किस तरह से हमें अर्थ समृद्धि देती है, गैया किस प्रकार से हमें स्वास्थ्य समृद्धि देती है, और गैया किस प्रकार से हमें ज्ञान देती है। अगर इन 3 विषयों को भारत के लोग गहराई से समझ लें तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से इस राष्ट्र में गौ हत्या रुक सकती है। अगर गैया हमें समृद्धि देती हो, अगर गैया हमें स्वास्थ्य देती हो और गैया हमें ज्ञान देती हो, भला इस राष्ट्र का कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसी गाय को काटने के लिए किसी को दे दे। यह जो प्रक्रिया चल रही है गाय के नाश का अंग्रेजों के समय से, वह इसीलिए चल रही है कि गाय में निहित जो विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, गाय के शरीर में निहित जो रासायन विज्ञान है, और गाय के शरीर में जो ज्ञान देने की जो अद्भुत शक्ति है, इसको हमने पहचाना नहीं, इसे पहचानने का समय आ गया है। अब हमें यह समझना पड़ेगा कि अगर हमें निरोगी जीवन जीना है तब गाय ही रास्ता है, और अगर इस भारत को फिर से अर्थ शक्ति बनाना है तब भी गाय ही रास्ता है, और इस भारत में अगर फिर से ज्ञानी लोगों को जन्म लेना है, क्रांति वीरों को अगर जन्म लेना है इस धरती पर, तब गाय ही रास्ता है। अगर यह बात हम भारतवासियों को आज के विध्वंसकारी विज्ञान की मदद से समझ में आ जाए तब मुझे लगता है इस राष्ट्र में गाय की हत्या भी रुक सकती है और गाय का संवर्धन भी बढ़ सकता है। तो इन्हीं उद्देश्यों के साथ जो है मैं और मेरे साथ बहुत सारे भाई हैं जो भारत में घूम घूम करके गाय के विज्ञान पर कथा के माध्यम से, संवाद के माध्यम से हम लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गैया को मत बेचो। अब वह समय आया है जब गैया आपको करोड़ों रुपया दे सकती है, अब समय आ गया है कि गैया आपको इस मनुष्य जीवन के किसी भी रोग से बाहर निकाल सकती है, कैंसर की सफल चिकित्सा कर सकती है, ट्यूबरक्लोसिस से आपको बचा सकती है, गैया हार्ट अटैक से आपको बचा सकती है, गैया आपके बच्चे को सिकल सेल से बचा सकती है, गैया आपके बच्चे को थैलेसीमिया से बचा सकती है, और गैया इस राष्ट्र के बेटियों को बांझ होने से बचा सकती है। यही गैया और उनका नंदी भारत के युवाओं को नपुंसकता से बाहर निकाल सकता है। यह सारा कुछ 16 सालों
के प्रयोग के आधार पर हमें पता चला, मालूम चला। और जब यह पूरी चीज़ हमें पता चल गया कि गाय इतनी अद्भुत है, और इसी अद्भुतता के कारण अंग्रेजों ने गाय का समूल नष्ट करने का सोचा कि भारत से अगर गाय समूल नष्ट हो गई तो भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या बीमार हो जाएगी, और तब चिकित्सा के माध्यम से भारतवासियों का हम शोषण कर सकेंगे और इन्हें हम श्रमिक बना सकेंगे, इन्हें हम नौकर बना सकेंगे। इनकी चेतना तब तक जागृत रहेगी जब तक इस देश में गाय है, इसलिए गाय को समूल नष्ट कर दो। और यह जो समूल नष्ट करने की क्रिया है वह 1947 के बाद बड़ी तेजी के साथ बढ़ा। जब तक अंग्रेज यहाँ प्रत्यक्ष रूप से थे तब तक गैया कटी यह तो एक विषय समझ में आता है, लेकिन अंग्रेज जब प्रत्यक्ष रूप से इस राष्ट्र को छोड़कर चले गए, केवल उनका कानून यहाँ पर बचा जो आज तक चल रहा है। इस कानून ने सबसे ज़्यादा गैया को काटा है। आप कल्पना करो 1945 का भारत, जब हमारे देश में 34 करोड़ गाय थी और आज का भारत केवल 2 करोड़ गाय बची है। एक गाय का जो जीवन है वो 20 से 23 साल का जीवन होता है, और एक गैया अपने जीवन में लगभग 16 बार माँ बनती है, और कई प्रजातियां ऐसी है जिन प्रजातियों में गैया 18 बार माँ बनती है। केवल 23 साल के जीवन में जो जीव 18 बार माँ बनती हो, उस जीव की जनसंख्या कितनी तेजी के साथ बढ़ सकता है, इसका अंदाज़ा केवल एक उदाहरण से लग सकता है आपको। 2003 में जब गौशाला का निर्माण कांचीपुरम में मैंने, राजीव भाई ने और साथियों ने मिल करके किया, उस समय केवल हमारे पास 4 गाय थी। केवल 4 गाय हमारे शंकरापीठ के जगतगुरु ने हमें दिया इस पुण्य कार्य के लिए, और 7 गायें हमने खरीदी, कुल 11 गायें थी। आज 2003, आज 2016, 13 वर्षों में हमारी गौशाला में 11 गाय से आज 400 गायें हो गई है। अंदाज़ा लगाओ आप कि 1947 का भारत, जिस समय इस देश में 34 करोड़ गाय थी, आज 68 साल हो गए, आज कितनी गाय होनी चाहिए थी। अगर हम भाग्यशाली होते, हमारा देश अगर भाग्यशाली होता और 1947 में गौ हत्या बंदी का राष्ट्रीय कानून अगर बन गया रहता, इस देश में गौ हत्या बंद अगर हो गई रहती, तो आज का भारत कितनी गायें होती, इसका गणित हमने लगाया। वह गणित कहता है कि 38,000,000 गायें इस धरती पर होती है, लेकिन दुख कि आज भारत में केवल 3 करोड़ गाय बची है, और शुद्ध नस्ल की अगर बात करूं तो केवल 2 करोड़ गाय बची है। अगर ऐसा हुआ रहता 1947 में, तब आज भारत की आर्थिक ताकत कितनी ऊंची रहती, इस पर भी गणित हमने लगाया। क्योंकि 1947 का भारत 1 रुपया बराबर 1 डॉलर था, रुपया और डॉलर दोनों बराबर थे, समकक्ष थे। आज 68 सालों में जो हमने गायों को खोया है, उससे जो हमारी आर्थिक ताकत गिरी है, कितनी गिरी है, आज 65 रुपया में 1 डॉलर मिलता है। अगर हम भाग्यशाली होते और इस राष्ट्र में 1947 में ही गौ हत्या बंदी का राष्ट्रीय कानून अगर बन गया रहता, तो जो गणित कहता है वह कहता है कि आज भारत की जो संपत्ति है, भारत में जो आर्थिक विकास है, भौतिक विकास, यह अमेरिका से 60 गुना अधिक होता, यानी 1 रुपये में 60 डॉलर मिलता। अंदाज़ा करो, एक कल्पना करो कि हमने इस राष्ट्र का कितना नुकसान किया है, केवल एक भूल करके कि 1947 में हमने गौ हत्या बंदी का राष्ट्रीय कानून नहीं बनाया। और आज 68 साल होने के बाद हमारे देश के किसी भी प्रधानमंत्री को इतनी ताकत नहीं मिल पाई कि वह इस देश में गौ हत्या बंदी का राष्ट्रीय कानून बना दे।
आज भी हमारी वही व्यवस्था है जो व्यवस्था 1947 में थी, आज भी हमारी वही व्यवस्था है जो 18वीं शताब्दी के भारत में थी, अंग्रेजों के गुलामी के दौर में था। समझ में नहीं आता कि यह राष्ट्र कब इस गुलामी से बाहर निकलेगा। इस विषय पर विस्तार से कल चर्चा करूंगा और आज के संवाद को मैं यहीं पर विराम करता हूं। आप सभी ने बड़े ध्यान के साथ इस कथा संवाद को सुना है, इसके लिए इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं समर्पण संस्था के सभी साधकों का और उनके गुरुदेव का मैं दिल से आभारी हूं, उन्हें मैं नमन करता हूं। कल की कथा अगर आप चाहें तो बिल्कुल समय पर 8:30 बजे शुरू कर सकते हैं और हम निश्चित समय 11 बजे इसकी समाप्ति कर सकते हैं। आज एक दिन समाप्त हुआ है, अभी 4 दिन और कथा है। इन कथाओं का सारांश अगर आप सुनना चाहो तो मैं आपको अभी बता सकता हूँ। इसमें से एक दिन की जो कथा होगी वह महर्षि वाग्भट जी द्वारा दिए गए दिनचर्या के सूत्रों पर मैं करूँगा आपसे बात कि हमारा जीवन कैसा हो कि हम कभी बीमार ही ना पड़े। और यह बड़ी सरल है। महर्षि वाग्भट जी का जो अष्टांग हृदयम है उसमें एक अध्याय है दिनचर्या का अध्याय। इस अध्याय में कुल 46 सूत्र हैं, 46 फॉर्मुलेशंस हैं और उसमें से महर्षि वाग्भट जी कहते हैं कि कोई भी भारत का व्यक्ति अगर इस 46 सूत्रों में से अगर 12 सूत्र भी अपने जीवन में उतार ले तो वह जीवन में कभी भी बीमार नहीं पड़ सकता है। तो ऐसा जो अद्भुत सूत्र है महर्षि वाग्भट जी द्वारा परीक्षण किया हुआ और ऋषि चरक द्वारा प्रतिपादित किया हुआ, ऐसे सूत्रों पर एक दिन मैं बात आपसे करूंगा कि आप भी महर्षि वाग्भट जी के 12 कम से कम 46 में कम से कम 12 सूत्रों को अपने जीवन में उतार लो तो गारंटी आप मेरी मानो, गारंटी महर्षि वाग्भट जी ने तो दे ही दिया है अंतिम सूत्र में, मेरी गारंटी मानो कि कभी बीमार नहीं पड़ोगे। यह तो मैंने अपने जीवन पर अनुभव करके देखा है। पिछले 5 वर्षों से सतत मैं कथा संवाद के लिए भारत के 23 प्रदेशों में घूमता हूं और लगभग प्रत्येक 2 दिन या 3 दिन पर मेरे जीवन का, मेरे शरीर का भूगोल बदल जाता है। मैं कल मोरबी में आया हूं, 5 दिन की कथा है, 5 दिन यहाँ रहूँगा फिर कहीं चला जाऊँगा, वहाँ 2 दिन की कथा होगी फिर कहीं चला जाऊँगा, फिर कहीं चला जाऊँगा। मेरे जीवन में हर 2-3 दिन पर भूगोल बदलता है, खान पान बदलती है, जल बदलता है। कभी भी मैं बोतल का और मशीन का पानी नहीं पीता हूँ बल्कि जहाँ रहता हूँ वहाँ के भूगर्भ का भी पानी पीता हूँ। तो इतना कुछ मेरे जीवन में बदलाव आते हुए भी मैं बीमार कभी नहीं पड़ता। मैं बीमार पड़ूं इसके लिए कोई कथा स्थगित हो जाए, 5 वर्षों में अभी कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मैं गारंटी आपको दे सकता हूं कि अगर महर्षि वाग्भट जी के दिनचर्या के 46 में कम से कम 12 सूत्रों का भी आप पालन कर लोगे तो मेरी गारंटी मानो आप जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ोगे। तो ऐसे जो अद्भुत सूत्र हैं महर्षि के दिए हुए, ऐसे सूत्रों पर एक दिन मैं, एक दिन का संवाद मैं रखने की कोशिश करूंगा। गाय के शरीर में जो 33 कोटि देव हैं यानी 33 उत्कृष्ट देव हैं उसमें से जल की व्याख्या आज मैंने की है, इसी तरह से दूसरे देवों की व्याख्या भी एक दिन करूंगा कि किस प्रकार से हमारी गैया के शरीर में उच्च कोटि के 33 देव हैं और ये देव कौन कौन से हैं। आज की भाषा में, आज के विज्ञान की भाषा में इन देवताओं के क्या क्या नाम है और वे देवताएं गाय के किन शरीर के किस अंग में क्यों रहते हैं। और एक दिन की जो कथा संवाद होगी वह बीमारियों पर होगी कि आपके मोरबी नगर में कौन कौन सी बीमारियां ज्यादातर लोगों को है, अधिक से अधिक है। उन बीमारियों का नाम अगर आप लिख करके दे दो तब मैं उन बीमारियों पर बात करूंगा कि आप अपनी गाय की मदद से उन बीमारियों को जड़ मूल से कैसे निपटा सकते हो बिना डॉक्टर के मदद के, केवल गाय से, गाय का गोबर, गाय का मूत्र और गाय के दूध, इन तीनों गव्यों की मदद से दुनिया के किसी भी बीमारियों से आप कैसे
निपट सकते हो। इस पर एक दिन की कथा संवाद में मैं विषय रखूंगा। और अगर यहाँ पर कृषि कर्म से जुड़े हुए हमारे कृषक भाई अगर अधिक हैं तब कृषि विषय पर भी मैं बात करूँगा। मुझे पता नहीं कि इसमें से कितने लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। अगर बहुत ज़्यादा लोग कृषि से जुड़े हैं तब गाय की मदद से कैसे हम उच्च कोटि का कृषि कर सकते हैं, यानी बिना रासायनिक प्रयोग के किस तरह से हम खेतों में ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं, अमृत तुल्य जो है वो अनाज हम उगा सकते हैं। तो आने वाले दिनों में इन्हीं विषयों पर मैं आपसे संवाद करूंगा और आज के संवाद को फिर से एक बार आभार धन्यवाद के साथ समाप्त करूंगा। हरिओम। एक विषय मैं भूल गया था, आप एक 5 मिनट शांतिपूर्वक बैठें। हमारी परंपरा रही है कि जब भी मैं कोई संवाद करता हूँ और मेरे संवाद से अगर कोई सवाल आपके मन में उत्पन्न होता है तब उस सवाल को आप पूछ सकते हो। आपके पास 10 या 15 मिनट का समय है। आप में से किसी को मेरे विषय पर, मेरे संवाद से अगर सवाल उत्पन्न हुआ है तब जरूर आप सवाल पूछ लें। सवाल गुरु जी, एक प्रश्न है। स्वामी जी नमस्कार। मेरा प्रश्न यही है कि हमारी बहुत गौ माता कट जाती है तो सरकार पर कैसे ज्यादा दबाव बनाए वो हमें उपाय बताए संक्षिप्त में। देखो, पिछले 68 वर्षों से जो सरकार की नियत रही है इसमें मुझे कहीं ना कहीं खोट दिखता है। इसलिए अगर समूल रूप से गाय को बचाना है तो निश्चित रूप से इस राष्ट्र को एक क्रांति की जरूरत है। बिना क्रांति के इस राष्ट्र में गाय की रक्षा हो ये मुझे नहीं लगता। या तो हम गाय के आर्थिक लाभ को जन जन तक पहुंचा दें, गाय से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभ को जन जन तक पहुंचा दें, या फिर इस राष्ट्र में एक क्रांति खड़ी करें। उस क्रांति की आग में तपकर ही इस राष्ट्र में गाय की रक्षा समूल रूप से हो पाएगी। और क्रांति तब तक इस देश में नहीं हो सकती जब तक इस देश में वीर पुरुष पैदा ना लें। वीर पुरुष पैदा लें इसके लिए फिर से जरूरी है कि इस राष्ट्र में कम से कम 40 करोड़ गायें हो, तभी इस राष्ट्र को वीर पुरुष मिल सकते हैं। अथर्व वेद का एक सूक्त है, तजो राष्ट्रस्य निरहंति ना वीरो जायते वर्षा। उस राष्ट्र में वीर पुरुष पैदा नहीं लेते जिस राष्ट्र में नंदी नहीं होते। तो नंदियों का संवर्धन फिर से शुरू कर दो, इस राष्ट्र को वीर पुरुष मिलेंगे और तभी क्रांति होगी और तभी समूल रूप से गाय की रक्षा हो पाएगी।